ए आकाश, बैटिंग के पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे दोस्तों को कोई उठा कर ले गया। उन्हें किसने उठाया, कहाँ लेकर गया, कुछ भी पता नहीं है यार। मुझे तो पता है ना। क्यों रे, मार खा के पेट नहीं भरा, सीटी बजा रहा है? हीरो की एंट्री कैसी होती है पता नहीं। हमारी मार खाने की छोड़ो, तुम्हारी कैसी बहन बस्ती हो देखो। हेलो सी के एंड को, कौन है बे तू? दोस्त महाराजा कहते हैं, पब्लिक हीरो कहती है, घर में आकाश बुलाते हैं। अब तुझे जो पसंद है बुला ले मुझको। ये एरिया अपुन का है। एरिया जिसका भी हो, कब्जा मैं ही करूँगा। तेरे डायलॉग पर तालियां बजाने वाला कोई फैन नहीं यहाँ। मैं एक बार जब मारना शुरू करूँगा, तेरे लोग भी मेरे फैंस बन जाएंगे। ऐसे बढ़ाया मैंने ग्रो। इतनी हिम्मत है तुझ में? पैदा होने के साथ ही आ गई थी, जो सिचुएशन या लोकेशन के हिसाब से नहीं बदलती। ए, चलो मेरे साथ। ऐसे जा सकते हैं ये? बैटिंग के 2 लाख रुपए देने के बाद तब इन्हें यहाँ से लेकर जाना। अरे भाई सीके, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। असल में बैटिंग लगाने वाले वो नहीं थे, मैं था। तभी तो तुझसे मिलने का मौका मिलना था। वैसे यहाँ पर आसपास जहाँ देखो क्रिकेट बैटिंग है। कुछ लोग पैसे चोरी करके लाते हैं, कुछ एग्जाम की फीस लेकर आते हैं, और कुछ लोग उधारी मांगकर सड़क पर आ जाते हैं। अगर पूछो कि बैटिंग कौन करवाता है तो कोई बताता नहीं। ये गेम खेलने की वजह यही तो थी। इसका गेम मुझे पसंद नहीं आया, इसका गेम ओवर कर दो। भाई ये क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा। बार बार मैं बताऊं? बोलो। जाओ। कितना कंफ्यूजन, क्या हुआ? ये क्या चल रहा है यार? एक्सरसाइज कराता है, रुलाता है, फिर हंसाता है। आखिर तेरा कैरेक्टर क्या है भाई? अबे ओ अकल के दुश्मन, मेरे कैरेक्टर का कोई डेफिनेशन नहीं है। कब कैसा रहूंगा ये मैं खुद नहीं जानता। क्लाइमेट जैसा बदलता रहता हूँ। कभी कभी ठंडा रहता हूँ, कभी कभी नरम रहता हूँ, कभी कभी गरम कर देता हूँ। मम्मी, उसे मार ही डालोगे क्या? इसे छोड़ दे भाई, आज से मैं बेटिंग का धंधा छोड़ दूंगा। चलता हूँ मोटे। सिर्फ खाने के लिए ही आता है, कैसे खा रहा है, खा खा के पेट फट जाएगा। बुढ़िया की नजर लग जाएगी मुझे। बड़ी भाभी एक ऑमलेट बना लो। छोटी भाभी जान जूस निकाल लो। अरे कोई पानी तो पिला दो। जाकर ले आओ। बना लो, निकाल लो, ले आओ। विरोध की बू आ रही है, कोई सामूहिक स्ट्राइक है क्या? पी लो,
माँ ये सब लोग आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब क्या है बेटा? क्या माँ? तुम कहीं बाहर जाते हो तो खौफ सा मन में रहने लगा है। आपको तो सिर्फ खौफ हो रहा है, हमारा तो सर फट जाता है इनके कारनामों को सुन सुन के। बिना सोचे कुछ भी करते हो, तुम बुद्धू हो क्या? दिमाग नहीं है क्या? भाभी 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 15 सालों से सेम टू सेम गालियाँ, ट्राई समथिंग न्यू। क्या माँ ये भी शर्म नहीं आती? औरतों से गालियाँ खा रहा है, अपने भाइयों को देख उनकी तरह तू भी कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेता? वो भी नौकरी करेगा तो घर कौन संभालेगा? वो कामचोर क्या घर संभालेगा, घर वाले उसे संभालते हैं। इतना टेंशन नहीं झेल सकते, आप इन्हें कुछ कहिए नहीं तो हम आएंगे। चले बस। ओहो, घर में सब मिलकर खुश रहे इसके लिए शादी करनी होगी। शादी? कौन है जो आसपास के गांव में से मुझे लड़की देगा? क्यों नहीं देगा, मैंने अपने मायके में एक लड़की देखी है, लड़की फिल्म स्टार से कम नहीं है। तुमने क्या कहा? फिल्म स्टार? तुम्हारे रिश्ते में तो मतलब मैच फिक्स है। अब हम लड़की देखने जा रहे हैं या नहीं ये बताओ। नहीं जाएंगे तो शर्म आदमी शर्म करे तो अच्छा नहीं लगता। वैसे भी तुम लेट हो, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। अरे वाह, साड़ी में तो बड़ी संस्कारी लग रही है। छोटी भाभी, तुमने रिश्ता देखा रहा तो सोचा कि तुम्हारे जैसे एवरेज हो, ब्लॉकबस्टर है ये तो। आप मेरी बेटी से कुछ बात करना चाहेंगे? कोई जरूरत नहीं है, मेरे भाई ने ऑलरेडी फिक्स कर दिया होगा। लेकिन मुझे बात करनी है। ये फोटो गैलरी है क्या? माय फैमिली फोटोज। ओह, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? आई नो वेरी वेल। वैसे अंदर सब बता रहे थे कि तुम में कोई दोष है, कुंज दोष। यू डोंट वरी, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। क्यों रे शाने, तू मेरी लाइफ बनाएगा? क्या है ना, कुंज दोष नहीं है, क्रिएटेड दोष है। क्रिएटेड? व्हाट? इतना फजल मत मार, ये मेरे लिए स्वयंवर जैसा है और तू 10 नंबर पे है। मैं 10वां हूँ। तेरी फोटो कभी पेपर में आई है क्या? पेपर? नो। फिर टीवी पर आए होगे? टीवी पर? अब शादी करनी है तो पेपर और टीवी पर आना जरूरी है क्या? इस देसी मॉडल से शादी करनी है तो जरूरी है। इतनी खूबसूरत हूँ और इतनी जायदाद है तो मैं जिसे दूल्हा चुनूं वो फेमस होना चाहिए, सेलिब्रिटी होना चाहिए। लोकल में ये हीरो भी बहुत फेमस है। मुझे जो चाहिए वो लोकल फेमस नहीं, दुनिया भर में फेमस होना चाहिए। हमारी शादी हो जाए, हम बाहर निकले तो मेरे पति को देखकर उसके ऑटोग्राफ के लिए, सेल्फी के लिए लोगों की भीड़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 31 तारीख तक कोई छोटा मोटा जॉब करके 1 को सैलरी का इंतजार करे। सोच समझ कर महीने का खर्च उठाओ, बच्चों के लिए बैंक में जमा करना है, तुम स्कूटर में ही खुश हो जाओ। ऐसी सोच रखने वाला पति मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो किसी और को ढूंढ लेना रे। अरे बाप रे, तुम्हारा छोटा मोटा पागलपन नहीं है, तुम्हें तो ना आंटी अंकल वापस आओ, यहाँ आओ। अगर यहाँ की बात बाहर लीक हुई तो कुंज दोष वाली लड़की पर कमेंट किया है करके एक लेटर लिखकर चूहे माने की दवा खाकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अंदर कर देगी पुलिस तुझे। According to my knowledge, domestic violence act after marriage होता है ना? कोई औरत बयान देते तो मैरिज हुआ है या नहीं ये कोई नहीं देखता, केस हुआ या नहीं ये देखा जाएगा। बाप रे बाप, मुझे बचाओ। घर वालों ने ना बोला, गांव वालों ने बाहर निकाला और आखिर में एक लड़की ने भी बेइज्जत कर दिया। अब ये जिंदगी किस काम की रे? ओए हाँ, तू मेरा साथ दे रहा है या मेरे घाव पे नमक लगा रहा है? अरे छोड़ो ना भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों सेंटी हो रहे हो? तुम्हारा थोड़ा सा अपमान ही तो हुआ है। कोई ऐसा वैसा अपमान नहीं हुआ है। गाँव की छोकरी खुद को न जाने क्या समझती है, मैं फेमस नहीं हूँ बताकर मुझे रिजेक्ट करती है। होना है अर्जेंटली फेमस होना है। अबे ओ गधे, पैंट कभी बदलना नहीं चाहिए, अब देख कैसे पागलों की तरह बड़बड़ा रहा है। ऐसे पागलों की तरह बड़बड़ा नहीं रहा, फैसला कर लिया है मैंने, हम जब ऊपर जाएं तब भी हमारे नाम के गूगल में 4-5 पेज हो। इसके लिए कुछ करना है, टीवी हो पेपर हो हमेशा दूसरों की ही न्यूज देखते रहेंगे क्या? हमें भी न्यूज बनानी है। बिना बैकग्राउंड के तू कैसे फेमस होगा? मेहनत करके हो जाऊंगा। आज के जमाने में मेहनत करके ऊपर जा सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं आ सकते। तो फिर इसका इस्तेमाल करेंगे ना, इस दुनिया में बढ़ने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। अरे बाप रे, लगता है इसने नींबू के ऊपर पैर रख दिया है, मैं घर जाकर खाना खा के सोता हूँ। फेमस होना फुल बॉटल पीने जितना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? Hmm.
देखा ना, इतनी छोटी सी बोतल ने इतने बड़े तालाब को कैसे डिस्टर्ब कर दिया। 6 फुट का हूँ मैं, इस देश को डिस्टर्ब नहीं कर सकता क्या? ये क्या, मेरे चाचा जी जाग गए? नहा भी लिया? अरे बाप रे पूजा। ये क्या, तुम इन्हें क्यों प्रणाम कर रहे हो? अगर हमें कुछ चाहिए तो वो, और अगर हमें कुछ बनना है तो ये। ओहो, अब इस उम्र में आके आप क्या बनने की कोशिश करेंगे? फेमस। मेरी एक टांग पहले से ही कब्र में है, अब इसे शौक देखे मत मार। मेरे सेलिब्रिटी बनने तक मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कभी भी मीडिया वाले हमारे घर आ सकते हैं। ब्यूटी पार्लर जाके बाल काले करवा लो दादी माँ। अब तो ये पागल हो चुका है, कंफर्म। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं पागल कर दूंगा। दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, दुखे पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस पत्ते पर है पत्ता। ए, वो देख भाई को आता देख, मुझे जीत मिल गई। अच्छा शुक्र है भाई, बैठो बैठो। ये हाथ में क्या है? ये तो नली है भाई। भोकड़। अबे यहाँ सब पत्ते खेल रहे हैं, तू मोबाइल में क्या घुसा पड़ा है? वो सब खेलते हैं लेकिन ये दिमाग का खेल है भाई, उसमें पैसे की जरूरत नहीं होती भाई, ना। तू कह रहा था पेपर में आऊंगा टीवी में आऊंगा, उसका क्या हुआ? नशे में कुछ भी बोल देता हूँ, सुबह थोड़ी ना याद रहता है, रात को पिया ब्रांड भी याद नहीं रहता, बातें थोड़ी याद रहेंगी। पत्ते दे जरा। ओहो ये तो बेकार है, चलो दोबारा फेंको। चल जल्दी भाई, तू भी बच्चों की तरह बात करता है। बस मैं जीतने वाला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कैसे सुन रहे हैं? अरे इलेक्शन आ रहे ना, मिनिस्टर ने जनरल मीटिंग रखी है, अगर जाएंगे तो बियर और बिरयानी फ्री मिलेंगी। ए शंकर तू एक काम कर, दारू ज्यादा हो जाएगी, 4 चिल्ड बियर बोल दे, बिरयानी के साथ पियेंगे। चल अगर देश पीछे रह जाता है तो उसकी वजह किसान होता है, वैसे ही अगर देश आगे बढ़ता है तो उसकी वजह भी किसान होता है। ताली बजाओ, ताली। जैसे कोई व्यापार उधार पर नहीं चल सकता, वैसे एग्रीकल्चर बिना कल्चर के नहीं चल सकता। मेरे हिसाब से कल्चर और व्यापार को साथ लेकर चलने वाला हमारा किसान है। ऐसे किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए, आपके आंसू पोंछने के लिए मैं आया हूँ। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गजपति के नेतृत्व में हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। अरे अरे मेरा पैर कुचल दिया। घर जा दवाई कर ले। अबे यार ये क्या, कॉमन मैन के पैर का कुचलना भी कोई नहीं सुनता, और वो सेलिब्रिटी बोल रहा है तो देखो कैसे सब लोग सुन रहे हैं। ऐसे काम नहीं होगा राजेश, एक पत्थर उठा दो जरा। सच में? अरे जो बोला है वो करना। ये लो। अबे कंकड़ उठाने को नहीं बोला, पत्थर उठा, पत्थर। सर पे एम लगाना। ये ठीक है भाई, ये हुई ना कुछ बात। अब ये देखो। अरे ओ साला, किसने पत्थर मारा? मिनिस्टर को पत्थर मारो, जल्दी पकड़ो उसे। अशिम, अरे अशिम, आओ। ठीक से, ठीक से मारो, अच्छी तरह खींचो, ठीक से खींचना। ऐसे ओए राजेश, ओए शंकर, अरे आओ ना ग्रुप फोटो लेते। छोटी सी चोट है, क्यों चिल्ला रहे हो? डॉक्टर छोटा दिमाग बड़ा दिमाग सब अपने जगह पर तो है ना? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मेमोरी लॉस, कोमा, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डोंट वरी सर, ये कोर्स कंप्लीट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कौन है वो, विपक्ष का है या पक्ष का है, कौन सी पार्टी का है? वो किसी पार्टी से नहीं है सर। हाँ? किसी पार्टी का तो कार्यकर्ता होगा। वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। तो क्या उसने मुझे मारने के लिए किसी से सुपारी ली है? सुपारी नहीं लिया, पान नहीं खाया। उसने तो क्या आगे बोल? उसने तो पेपर में नाम है इसलिए ऐसा किया सर। पेपर में आने के लिए मारा उसे, पेपर में नाम आने के लिए मंत्री को पत्थर से मारो। निकालो गाड़ी, अब उसका सर काटूंगा मैं। चलो सर। कहाँ है वो? वहाँ है सर, उसे मेरे एनकाउंटर अकाउंट में डालकर गोली मार दीजिए। बाप रे, बॉडी में कहीं और बुलेट लग जाए तो बचने के चांस हो। यहाँ मारोगे तो कंफर्म मरूंगा। शूट करना। फिगर क्यों नहीं दबा रहा? क्या रे, तुझे मौत का डर नहीं है? वो वर्ड अपन के डिक्शनरी में। बाहर निकाल इसे, सेलो बंद करो। बैठिए सर। हाँ
इंस्पेक्टर साहब पंच मस्ता हड्डियां हिल गई। बोलिए सर। देख क्या हालत है, क्यों किया ये? अटेंशन, सिंगल एजेंडा, पेपर में मेरा नाम आने के लिए और फेमस होने के लिए। पेपर में नाम आने के लिए तू एक मिनिस्टर की जान पर हमला करेगा? मारना होता तो पत्थर से क्यों मारता, सीधा बॉम्ब नहीं फेंक देता? सर जी आप रिलैक्स। सर किसी और को मारता तो मैं इतना मशहूर कैसे बनता? आप और ये मीडिया मुझ तक कैसे आते? मैं एक मिनिस्टर हूँ, मैं चाहूँ ना तो तुझे कुछ नहीं कर सकते सर। अगर मुझ पर मक्खी भी बैठी ना तो बाहर लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे। मतलब तुम फेमस होने के लिए कुछ भी करोगे? इंस्पेक्टर को मारना पड़ा तो मार दोगे? सर जी मेरे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क था ना, इसलिए तो ग्राउंड को मारा मैंने। तुम्हें फायरिंग भी आती है? पहली बार ट्राई किया, गुड एक्सपीरियंस। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? मुझे बहुत पसंद आया। तुझे देखकर लगता है तू मेरा ही साया है, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही था तेरी तरह। मेरे हाथ के नीचे काम करेगा? तुम्हारे साथ काम करूंगा। सर इसने आपका सर फोड़ा और आप इसे काम पर रख रहे हैं? सर नहीं फोड़ा, दिमाग खोल दिया है। दो बार और सोच लीजिए सर। बार बार सोचने के लिए तुम्हारे जैसे मंद बुद्धि नहीं है, मंत्री बुद्धि है। सर सैलरी? हाँ कितनी? फ्रेंड्स और फैन मिलाकर टेक होम महीने का 1 लाख। दस सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी खुद की 25 है। शर्म नहीं आती तुझे? लेकिन क्यों? सैलरी टैलेंट को देते हैं, एक्सपीरियंस को नहीं। बहुत पसंद आया। मंत्री जी उसे सजा देने गए थे तो साथ में आ रहे? हाँ चलिए मैं। अरे भाई आकाश, एक पत्थर से तुम हीरो से भी ज्यादा फेमस हो गए हो। आकाश का प्रहार, मंत्री बेहाल। चुप, एक काम करो तुम लोग, इन कटिंग्स को लेकर बड़े बड़े पोस्टर्स बनवाकर पूरे शहर में जमा कर लगा दो, सबकी नजर पड़नी चाहिए मेरे घर के बाहर। दो क्या चार लगा देंगे? चुप, और फेसबुक पे भी वायरल कर देंगे। भाई कर देंगे, अब और काम क्या है? ये सब क्या है? न्यूज बनानी है तो थोड़ा शोर तो होगा ही ना भैया। पर क्यों ये सब? स्टोरी अभी तो शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलो भाई। पता नहीं भाई, आजकल सब गुड न्यूज मिल रही है। तुझे क्या हो गया यार? सेंट्रल मिनिस्टर सुभाष सिंह के बेटे के साथ तुम्हारी बेटी का रिश्ता तय हो गया है और तुम यहाँ मायूस होकर बैठे हो। इस संबंध से तो मुझे भी बहुत खुशी है शंभू, लेकिन बेटी कनाडा से आ रही है इसलिए जी घबरा रहा है मेरा। एक स्टेट के होम मिनिस्टर को ऐसी बातें शोभा देती है? तुम्हें तो पता है ना शंभू, हमारे और उस गन्ना रेड्डी के बीच में जो पुश्तैनी लड़ाई चल रही है, इस समय अगर उसने कोई भी अटैक किया और ये पंगा अगर सुभाष सिंह को पता चल गया तो संबंध शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, ऐसा डर है। सिक्योरिटी तो तुम्हारे ही हाथ में है ना, 100 लोगों को एयरपोर्ट भेज दो बेटी को सुरक्षित लाने के लिए। 15 सालों बाद बेटी हमारे पास लौट रही है, तुझे पावर नहीं दिखाना है, प्यार दिखाना है। अगर ऐसा किया तो मेरी बेटी इंडिया आई और मेरी बच गई, ऐसा लोग कहेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, तुम्हें आकाश के बारे में बताया था ना, उसे भेज देते। उस अकेले को? वो अकेला ही काफी है, उसे आए 4 दिन भी नहीं हुए, ओल्ड सिटी के मेरे रुके हुए पैसे निकाल दिए उसने। चाहे जो भी हो, एक अकेले को भेजना रिस्की है शंभू। जान बचाने के लिए क्राउड की जरूरत नहीं होती भाई, जिगर चाहिए, और वो उसमें अनलिमिटेड है, ऊपर से नया है ना, तो किसी को शक भी नहीं होगा। तो ठीक है। हाँ बोलना। अरे भाई सुबह से तो दिखाई नहीं दिया, कहाँ पे चला गया यार? मैं एयरपोर्ट आया हूँ यार। एयरपोर्ट गया हुआ है? मुझे बताए बिना तो खुद फ्लाइट पे बैठने वाला है क्या? तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो यहाँ तेरी होने वाली भाभी और मेरी होने वाली लवर को रिसीव करने आया हूँ। कौन है भाई वो भाभी? अपने होम मिनिस्टर की बेटी बे। तू पागल हो गया है क्या? ओ राजेश, होम मिनिस्टर की बेटी के साथ? ओए होम मिनिस्टर की बेटी से पंगा लेगा तो एनकाउंटर हो जाएगा, चला जा तू। यार के लिए मरूंगा तो इतिहास बन जाऊंगा बे कदे कहीं के। ऑल एप्स डाउनलोडेड स्मार्टफोन प्लस के जैसी लग रही है। अच्छा, उस रेंज की लड़की को गांव की लड़की की तरह फूल देके पटाएगा क्या? फूल देकर नहीं बे, फूल गिराकर उसे पटा। फूल गिराकर उसे पटा लेगा, वो कैसे? तो अभी फोन रख, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे सुना ए!
लाजवाब। ए मिस्टर, ये क्या है? हाथ हटाओ। पहले आप अपना पैर हटाओ। 5 ग्राम के गुलाब को 50 किलो का गुलाब कुचल देगा तो कैसे लगेगा बताओ? मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो या मुझे इम्प्रेस कर रहे हो? खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वेलकम टू इंडिया, आकाश। ओह, डैड ने बताया था। बाय द वे, आई एम श्रद्धा, फुल्ली ट्रेडिशनल। प्यार का कोई ओपिनियन नहीं, पेरेंट्स के सिलेक्शन पर कोई शक नहीं। सावित्री माँ को बहुत मानती हो, सलमान खान के लिए पागल। अमेजिंग, पूरा प्रोफाइल जानते हो। और नहीं तो क्या, बचपन से ही गूगल जैसा हूँ। घबराइए मत, आपको वेलकम करने आए हैं, मैं थैंक्स कह के आता हूँ। ओके, टुकड़े टुकड़े कर दो और नागराज को पार्सल कर दो। क्या हुआ बे? कुछ नहीं भाई। ये टकलू क्यों करवाया? फैशन के लिए। अच्छा, फैमिली को टच करने से पहले मुझे टच करना होगा, लेकिन मुझे मारने वाला हथियार अब तक बना नहीं, ना ही बनेगा। मेक एन ऑर्डर। मैं उसे कह रहा था किसी को अकेले मत भेजो, लेकिन वो तारीफों के पुल बांधे जा रहा था। मेरे सर ठीक ही कह रहे थे, मैं अकेला गया था इसलिए बेटी सेफली घर पहुंची है। अगर आपने 100 लोगों को भेजा होता तो पहला सोचता दूसरा बचाएगा, दूसरा सोचता तीसरा बचाएगा, और कन्फ्यूजन हो गया होता तो तुम आज जो अपनी बेटी को देख के खुश हो रहे हो ना, वो यहाँ नहीं पहुँचती। वैसे इतनी सावधानी बरतने के बावजूद उसे प्लान का कैसे पता चला?
मैंने इन्फॉर्म किया था। तुमने ही फंसाया, फिर तुमने ही बचाया। मेरी बेटी को मारना चाहता था क्या? गनी रेड्डी की उस हिम्मत को मारना चाहता था। वो कब अटैक करेगा सोचकर हमें नहीं डरना है सर। अब आगे जब भी वो अटैक करेगा वो 10 बार सोचेगा और डरेगा, इसीलिए मैंने ही उसे बुलवाया, मौत का सामना करवा कर वापस भेज दिया। मैंने जो किया आपको गलत लगे तो मेरे सर से शिकायत कीजिए, अगर सही लगे तो बेटी के लौटने का जश्न मनाइए। एक्सक्यूज मी सर, सीएम साहब बात करना चाहते हैं। हाँ सर। ठीक है सर, मैं अपने डीजीपी साहब को बोल दूंगा, काम हो जाएगा सर। हाँ बिटिया आ गई है सर, इस रविवार को डिनर हम सब साथ में करते हैं सर। ठीक है सर। हाँ सुनो पिए। यस सर। उस डीजीपी को चैम्बर में बुलाओ, एसपी महेश चंद्र का ट्रांसफर करवाना है। क्या बिटिया, इतने सालों बाद घर आकर तुम सॉस बटर ब्रेड खा रही हो, पूरी और पराठे नहीं खा सकती क्या तुम? ये इसे क्रैश डाइट कहती है। मेरा तो क्रैश डाइट है, लेकिन चाचू कंप्लीट डाइट पर क्यों है? डाइटिंग नहीं है बेटी, फाइटिंग है। इतने सालों बाद तुम घर आई हो, अब भी भैया मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। वो इस जन्म में नहीं होगा। क्या डैड, आप बच्चों की तरह कर रहे हैं, आपकी अब भी चाचू से बातचीत बंद है? उसे वो पागलपन छोड़ने को, मैं बात करता हूँ। पागलपन नहीं है भैया, पैशन है, पसंद है, जान है। मुझे काटोगे तो खून नहीं बहेगा, कला बहेगी। बॉलीवुड में कल का उभरता बहुत बड़ा हीरो हूँ मैं भैया। देखा ना बेटी, हमारी यहाँ क्या हालत है। एग्जैक्टली भैया, कल को ऑडियंस भी इसी तरह से झटका खाएंगे, स्क्रीन फाड़ देंगे मेरी एक्टिंग देखकर। हाँ जेठ जी, आपके सामने थोड़ा शर्माते जरूर हैं, लेकिन ये एक हीरो से कम नहीं है। इसे चश्मे की जरूरत है। जरा समझे ना ताऊ जी, सुपरमैन की ड्रेस पहनेंगे तो डैडी ऑसम लगेंगे। प्लीज एक ब्रेक दीजिए ना डैडी को। देख लो बिटिया, MLA बनो कहता हूँ तो हीरो बनूंगा कहकर पूरी फैमिली को बिगाड़ रखा। मैं फैमिली को बिगाड़ने के लिए नहीं भैया, एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरे हीरो बनने के बाद आपको ही फायदा है। आज के इलेक्शन में हीरो को पार्टी की पब्लिसिटी में बुलाओ तो कितने वोट मिलते हैं। अरे सुपरस्टार बनने के बाद मैं आपके साथ ही खड़ा रहूंगा। एक बात कही जाती है, हर पॉलिटिशियन के साथ एक फिल्म स्टार होना चाहिए, मेरी तरह। बता दो इसे, अगर ये आदमी एक और शब्द बोला तो इसे गाँव भेज दूंगा। वहाँ क्या करूँगा, वहाँ जाकर खेती बाड़ी करूँगा क्या? टचअप, मेरा ब्रेकफास्ट वैनिटी में लगा दो, ना ये बदलेंगे ना इनका एटीट्यूड बदलेगा। समझते ही नहीं है, इनके सीएम बनने का मैं इकलौता जरिया हूँ। सुबह से ढूंढ रही हूँ, आकाश कहाँ है? आकाश वो हमारा स्टाफ नहीं है बेटी, शंभू अंकल के पास काम करता है। What? वो हमारे यहाँ काम नहीं करता? क्यों आप सीएम नहीं बन पाते हैं ये मुझे आज पता चला है डैड, क्योंकि आप क्रीम को छोड़कर स्क्रैप को पास में रखते हैं। क्यों बेटी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं और क्या कहूँ डैड, हमारे पास जितने भी काम करने वाले हैं हमसे ज्यादा शार्प होने चाहिए। ऐसे लड़कों की तादाद हमारे पास सैकड़ों में है। कौरव भी तो 100 थे ना डैड, हमें गन्स के साथ सिर्फ पीछे खड़े होने वाले नहीं चाहिए, गट्स के साथ सामना करने वाले चाहिए। आगे आपकी मर्जी। हाँ भाई, आजकल मेरा धंधा एकदम बढ़िया चल रहा है और उसकी वजह मैं नहीं हूँ, अपना आकाश है। अब सिर्फ हैंड नहीं है मेरा, वो ब्रांड है। हेलो। हाँ बेटा। हाँ कौन बेटा? मैं बेटा होम मिनिस्टर नागराज। हाँ सर सर सर, गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ हो? सर को असेंबली लेकर जा रहा हूँ। ओह अच्छा, तो फिर मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे कोई बात नहीं, वो फोन पर है, आप बोलिए। कुछ नहीं बेटा, वो तुम मेरे पास काम करोगे क्या? सर आप जोक अच्छा कर लेते हैं। जोक नहीं है बेटा, सीरियसली पूछ रहा हूँ। सच में सर? तुम मेरे पास काम करोगे क्या, जल्दी बोलो। वो क्या है ना कि मुझे यहाँ पर सर महीने के 2 लाख देते हैं सर। मैं उसका डबल दूंगा। कब ज्वाइन करना है बताइए सर। तुम अभी आ सकते हो क्या? ऑन द वे सर। बाय सर। ये क्या है? बाय मतलब? एक एक्साइटिंग ऑफर आया है इसलिए एग्जिट ले रहा हूँ। अरे मुझे ऐसे बीच सड़क पर छोड़कर जा रहा है, मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती। ऑटो। मैं ऑटो में नहीं जाऊँगा। ऑटो मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। उसकी तो
बीच सड़क पर छोड़कर चला गया। प्रमोशन जो मिला है उसे? प्रमोशन मिला तो क्या, मेरे इमोशन की उसे कोई कदर नहीं है। मेरा नमक खाया उसने। उसमें नीति न्याय धर्म उसूल नाम की कोई चीज है कि नहीं? आपके मुंह से ये बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। और नहीं तो क्या सर, उसने सरे आम आपका सर फोड़ा और आपने उसे ही अपने सर पे बिठा लिया, तारीफों के पुल बांधने लगे। तेरी चालाकी देखकर लगता है तू मेरा ही साया है। अब देखा, हलाल कर दिया ना आपको। बकरा नहीं हूँ मैं, ये बात मैं सीएम साहब को बताऊंगा, मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। होम मिनिस्टर के ओएसडी में अमरावती का लड़का, ये आकाश तो यार तूफान से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है। आकाश की फोटो पेपर में आई है, ये देखकर उसके घर वाले कितनी खुशी मना रहे होंगे। क्या खुशी मनाए, आज उसकी फोटो पेपर में आई है, कल मरने के बाद हमारी भी आएगी। हे हे, सुपर्ब कॉम्बिनेशन, डिजाइनर वेयर है। ओ अरे, अपने शास्त्री जी आ गए। कौन है ये नैनो वाला? सेलिब्रिटी शास्त्री हैं, बहुत फेमस हैं। सीएम और हमारे फैमिली डॉक्टर की तरफ फैमिली पंडित जी। पंडित जी हाँ। मुझे तो चाइनीज चोर जैसा लग रहा है। चाइनीज बहुत खाते ना। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्कार, शीघ्र में सुपरस्टार प्राप्ति अस्तु। बस 10 सालों से आप आशीर्वाद ही दे रहे हैं पंडित जी, लेकिन आज तक आपका आशीर्वाद नहीं फला। समय नजदीक आ गया है, टचअप करके रेडी रहो ब्रेक के लिए। ये कौन है? आया हूँ तब से मेरी परिक्रमा किए जा रही है। न्यू एडमिशन है पंडित जी। आकाश, आई एम अर्जुन विद लॉट्स ऑफ गुण। साइलेंट फिल्म है। मुझ पर शक करता है ये, इसे तो पक्का सजा मिलेगी। साइलेंटली क्या बोला? आशीर्वाद दिया था सर कि आप एक्शन हीरो बनेंगे। दो दो आशीर्वाद दो। क्या शास्त्री जी? नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। लड़के वाले नहीं आए? आ गए हैं। आपको तो पता ही है ना कि मैं लोगों से ज्यादा समय पर भरोसा करता हूँ। राहुकाल था ना, इसलिए कुछ देर के लिए मैंने उन्हें टर्निंग पर ही रुकने को बोल दिया। वो तो है ना, ये आदमी मुहूर्त देखे बिना वॉशरूम भी नहीं जाता है। घर बसाने के लिए शास्त्रों का ध्यान रखना तो जरूरी है ना। हाँ वो तो है। ये इस तरह जोकर बन के क्यों खड़ा है बहू? बोलो क्या सर्कस देखने आ रहे हैं? भैया ऑडियंस के सामने कलाकार की बेइज्जती नहीं। तू काहे का कलाकार है रे, तुझमे ना शकल है ना कल है। भैया कंट्रोल। अरे क्या कंट्रोल करूँ मैं, एक और बार अगर तूने एक्टिंग की बात की ना तो तुझे धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। 40 करोड़ खर्चा करके 400 वोट पाकर जीतने वाला जो इंसान ठीक से शपथ पत्र भी नहीं पढ़ सकता है, वो एक्टिंग के बारे में क्या जान सकता है? ये कैसी बातें कर रहे हो, ये तुम्हारे भैया मंत्री के मंत्र चुप कर। डिस्टर्ब मत करो। ये क्या सिद्धेश्वर जी, ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? बिना शादी के तुम हाफ सेंचुरी क्रॉस कर चुके हो, तुम मुझे क्या समझाओगे? ये सब क्या है, मेरी तरह शादी न करने वालों को बोलने का हक भी नहीं है क्या? ये क्या है जी, आप पागल हो गए हो? पागल नहीं हुआ हूँ, तुम सबको पागल बनाने वाला हूँ। भाई तो एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग कर रहा है अभी। डैडी आपने माँ को मारा, बेटे को भी मारूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारो प्लीज दाऊ। मुझे नीचे कोई से नीचे उतारो। डैडी आपने भैया को क्यों मारा? डैडी मुझे भी उसके ही पास ले जाओ। ये बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं या बास्केटबॉल? अरे तेरी तो। भैया कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग ये एक्टिंग की? देखा ना भैया, आप खुद झटका खा गए। जब कल मैं मेकअप करके फील्ड में उतरूंगा तो पूरे देश में दर्शकों की हालत क्या होगी? एक बार सोच कर तो देखो भैया, मेरे अंदर के कलाकार को हर्ट हुआ इसलिए मैंने ऐसा किया। सॉरी भाभी, माँ जैसी भाभी को मैंने गलत कहा, लेकिन मैंने नहीं, मेरे अंदर के कलाकार ने। बढ़िया है, तुम्हारे अंदर के कलाकार ने मुझे लात नहीं मारी। आप क्यों जिद पकड़ कर बैठे? हीरो बनने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। मुझे बहुत गुस्सा आता है भैया, आंखों से जो शत्रु नहीं दिखते उससे वास्तविकता में लड़ता हूँ भैया। 10 सालों से हो रहे इंतजार का फ्रस्ट्रेशन है, हो सके तो माफ कर देना या खुद मुझे सजा देना, लेकिन मेरे अंदर के कलाकार को पहचान दो भैया, पहचान दो। ओहो सिद्धेश्वर जी, कहाँ कम करना है कहाँ जोर देना है, जानने वाले को ही महान एक्टर कहते हैं। सर मैं आपका फैन हो गया हूँ, एक सेकंड सर, बस एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखा ना भैया, एक्शन करो तो फैन बनते जाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो प्यार नहीं दिख रहा है। ओनली वन ब्रेक भैया, बस एक ही ब्रेक। प्लीज मान जाइए, हाँ कर दीजिए, इनका एक्शन भारी पड़ता जा रहा है। ठीक है ठीक है, मेरा दिमाग मत खाओ जो मन में आएगा। अरे वाह सिद्धेश्वर जी, देखिए शुभ समय आ गया है। हाँ। लड़के वालों के आने का समय भी हो गया। हाँ। तो आप भी जाकर रेडी हो जाइए।
आइए सुभाष सिंह जी, बैठिए। अरे रे 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 रे, रुकिए 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 रुकिए। देखो बेटा, तुम्हें यहाँ ईस्ट में बैठना है, दुल्हन के माँ बाप वेस्ट में बैठेंगे, बैठ जाइए। और मम्मी पापा अपने लड़के के साथ बैठेंगे, बैठ जाइए। तो लड़की कहाँ होगी? लड़के के सामने होगी। तो ये कहाँ बैठेंगे? टूटी कुर्सी दे देंगे। जोक था, जोक था। ये जोक बाद में करना, तुम फिलहाल ईशान दिशा में खड़े हो, पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो। चलो मेरे पीछे आ जाओ। मैं आस्तु वास्तु पर भरोसा नहीं करता शास्त्री जी। तो फिर दोस्ती पर भरोसा करता हूँ। बेटी एकदम चांद का टुकड़ा है बहन जी। बैंगल्स अच्छी लग रही है ना? ड्रेस? Are we made for each other? Bad for each other. ये पीछे खड़ा रहकर अपनी फीलिंग तो नहीं कर रही? शुभ है, सब शुभ है। लड़की को देखने के बाद लड़के के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। लड़के को देखने के बाद लड़की अपना सिर नहीं उठा रही है, मतलब ये मैच फिक्स है। डेट मैं फिक्स करूंगा, रेट आप लोग फिक्स कीजिए। पंडित जी, अर्चना, पूजा, आरती जो भी करना है धूमधाम से कर दो, दक्षिणा बहुत ही अच्छी मिलेगी। क्या बात है बेटा, बहुत खुश लग रहे हो। बहुत दिनों बाद खुशियाँ झोली में गिरी है। भाई का बड़े घर में रिश्ता पक्का हुआ है, लड़की ने भी यहाँ कर दी है। अच्छी बात है। नाम और गोत्र बताइए। पैदपाल गोत्र है, आकाश नारायण, और पूना से श्रद्धा। ओए, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? श्रद्धा के साथ तुम्हारी शादी कब पक्की हो गई? वो तो उन दोनों की पक्की हुई थी ना। सब आपकी तरह सोच रहे थे शास्त्री जी, लेकिन शादी तो मेरी और श्रद्धा की पक्की हुई है। अबे बिना बुद्धि के गधे, ये क्या बात किए जा रहा है तू? शास्त्री जी, क्या हो गया आपको? शास्त्र जानते हो, पावर है आपके पास, इतना ऑब्जर्व नहीं किया आपने? वो दुल्हन घंटे भर में 59 मिनट्स मुझे ही देख रही थी, फिर आप ही बताइए उसने किसे पसंद किया होगा? तुझको। अरे वही तो मैं कब से कह रहा हूँ, क्या है ये यार, समझते नहीं है यार। अबे और नीच इंसान, जहाँ खाता है वहीं चोरी करता है। यहाँ का खाकर अगर पड़ोस में चोरी करेगा तो पिछवाड़े पे लात बैठेगी। ब्रह्मचर्य ही मेरा ब्रह्मास्त्र है, उनकी कुंडली देखने वाला मैं हूँ, मुहूर्त फिक्स करने वाला मैं, लेकिन शादी फिक्स करने वाला मैं हूँ। चाहे जो भी हो जाए, एक बार अगर मैं मुहूर्त का कमिटमेंट कर देता हूँ तो मैं देवताओं के भी नहीं सुनता हूँ। भरोसा आपके साथ, हमारा हमारे साथ। क्या भाई पंडित जी को परेशान करते हो, इन्होंने अगर मिनिस्टर को जाके बता दिया। अच्छा, तो ये बता देंगे। सुन, मैं कंप्लेंट करके आगे बढ़ने वालों में से नहीं हूँ, मेहनत करके आगे बढ़ने वालों में से हूँ। औरतों की तरह चुगलियां मैं नहीं करता हूँ। शास्त्री जी, आप ऐसे ही रहना, बिल्कुल बदलाव नहीं आना चाहिए, हमारी शादी भी आप ही को करनी है, ठीक है ना? चलो। बहुत होशियारी, कोशिश कर ले प्यारे, तेरी दाल तुम्हें बिल्कुल नहीं गलने दूंगा, चाहे वो जल के काली क्यों ना हो जाए। क्या है ये सब, हर कहानी में हीरो अनाथ ही है क्या? उस पागल का कोई नहीं है क्या? बदलाव लाओ यार, बदलाव लाओ। हमारी फिल्मों को बड़े डायरेक्टर की तरह उस ऊंचाई तक लेकर जाओ। ठीक है सर। अब स्क्रिप्ट लेकर कहाँ जा रहे हो? फिल्म की रेंज को लेकर जाना, निकल। तू और तेरी स्क्रिप्ट अनाथ। फ्यूचर स्टार। हाँ। क्या बात है, कहानी पढ़ रहे हो? अरे क्या कहानी पढ़ूंगा, कोई मुझे एक्साइट नहीं कर पा रहा है। ऊपर से इतनी बड़ी वैनिटी, इतना सारा तामझाम, मेरी इमेज के हिसाब से कोई कहानी नहीं है। फिक्शन कहानियों के पीछे क्यों पड़े हो? भाग मिल्खा भाग, मेरी कॉम, ऐसी रियल स्टोरीज क्यों नहीं ढूंढते? अभी के अभी रियल स्टोरी मिलना तो मुश्किल है। तो ऑब्जर्व करिए ना सर, लोगों को, समाज को, तब जाकर आपकी धमाल एंट्री होगी। hey, सुनो, ये चश्मा उतार कर दोबारा लगाओ। यू वॉन्ट मी टू रिपीट? ओके। ब्रदर, किसी दूसरे के पास कहानी क्यों ढूंढू? तुम्हारी रियल स्टोरी को ही फिल्म क्यों ना बना दे? अरे मेरी स्टोरी में क्या रखा है? हीरोइज्म है। किसी गांव से उठकर इस घर के राइट हैंड नहीं बने तुम? तुम नहीं समझ रहे हो ब्रदर, तुम्हारी एनर्जी को अगर मैं पी जाऊं तो जरूर हंगामा हो जाएगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको। ऑब्जर्वेशन ऑसम। ऑसम मतलब क्या होता है? ऑसम का मतलब ऑसम लगता है, इसको भी समझ में नहीं आया ब्रदर। सब कुछ ठीक तो है, लेकिन तुम्हारी कहानी में एक गड़बड़ है भाई। क्या वो? हीरोइज्म तो बहुत है, लेकिन रोमांस कहाँ है? अगर लेडी ना हो तो मजा कैसा? ऐड करते हैं। सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम से गाने बनवाएंगे। वहाँ करेगा? आप मामूली इंसान हो गया, होम मिनिस्टर के भाई हो। हाँ, ये भी तो ठीक ही है। मम्मी, पानी नहीं आ रहा है। सुपर आइडिया आया है। यहाँ तुम्हारी कहानी को लव एंगल मैं दूंगा। इस घर में श्रद्धा बेटी की शादी हो रही है ना, तुम उसको ही अगर पटा लो तो। चुप करो, पागल हो गए हो क्या? सुनो भाई, यहाँ आओ। अरे आओ तो, भरोसे का प्रतीक 100% तुम ही हो, ये मैं जानता हूँ। जस्ट कहानी के लिए इमेजिन कर लो। अरे बाप रे, पहली फिल्म में इतने ब्यूटीफुल आइडियाज दे रहे हो, पक्का आप ही फ्यूचर स्टार बनेंगे। सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर देखो मोटर को क्या हुआ है।
ये भी ना टाइम ही नहीं देखती। ठीक है भाभी। हमारी कहानी के लिए एक लव सीन मिल गया है। वो कैसे? प्रोटीन शेक से, फ्यूज डिफ्यूज से। जाओ। अरे सुनो भाई, पीछे आओ। कहाँ जा रहे हो? मोटर ठीक करना। अरे यार इसका इस्तेमाल करो। ऊपर श्रद्धा नहारी है और नीचे पंप खराब है। अरे बाप रे, बहुत से फिल्मों में देखा है मैंने। मैं बाल्टी लेकर ऊपर जाऊंगा और लव सीन लेकर नीचे आऊंगा, क्या कहते हो? देखो ब्रदर, भूलना मत कि वो मेरी बेटी है। तू रियल हीरो यार। श्रद्धा जी, मोटर खराब हो गई है, पानी की बाल्टी लेकर आया हूँ, ले लीजिए। यहाँ देकर जाओ। मैं ऐसे अंदर नहीं आ सकता ना। मैं भी ऐसे बाहर नहीं आ सकती ना। तो फिर मैं आंखें बंद करके आता हूँ। तुम टकरा कर गिर गए तो? आंखें खोल कर आया तो आपको देख लूंगा। तुम जल्दी दोगे तो जल्दी बाहर जा सकते हो। आंखों को बंद किए बिना, मुझे देखे बिना पानी की बाल्टी अंदर रखो और जाओ। सिद्धेश्वर जी, गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग। क्या शास्त्री जी इतना लेट? एंगेजमेंट रिंग की पूजा करके आ रहा हूँ मैं। सब आपका ही वेट कर रहे हैं। बहुत कलरफुल लग रहे हो, क्या बात है। क्या है कि एक अच्छी स्टोरी हाथ लगी है। ओहो अच्छी स्टोरी। क्या है वो? रियल स्टोरी है। रियल स्टोरी है? मतलब औरंगजेब, जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी जैसी एकदम सच्ची लाइफ स्टोरी है क्या? वांटेड, धूम, दबंग, सिंघम जैसी धमाल स्टोरी है। बाबा 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 बाबा, आपका ऐसी इंस्पिरेशन आखिर किसने दी? और कौन देगा? अपने आकाश ने। आप आकाश ने? हाँ। तो क्या है वो स्टोरी? एक्चुअली कहानी ऐसी है कि इस घर में तुमने एक शादी पक्की की है, राइट? बिल्कुल राइट। घर में कोई काम करने आता है? आता है। सब उसे सिक्योरिटी वाला समझने लगते हैं। समझ गए। लेकिन वो इस घर में आया है उस लड़की को पटाने। आप इसे स्टोरी कहते हो? आप भी झटका खा गए ना? रियल स्टोरी है। हाँ ये तो रियल स्टोरी है सर। मैं क्या स्पेनिश में कह रहा हूँ पंडित जी? आप तो सुपर हो सर। चूसी गुठलियाँ देख कर आमों की गिनती की जा सकती है, लेकिन उसने तो गुठलियाँ देख कर ही पेड़ों की गिनती बता दी। डायलॉग अच्छा है, फिल्म में इस्तेमाल करूँगा। और वो ऑलरेडी तेरा इस्तेमाल कर रहा है बुद्धू। कलर वाली भी बहुत सुंदर है, इसकी साइड पिंक वाली देखो। और ये तुम पे जचेगी। देखो तुम, ये तो पहलूंगी प्रतिदिन। लुकिंग कूल आकाश नारायण। शास्त्री नैनो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? सर के साथ असेंबली नहीं गए? यहाँ शादी की साड़ी का सिलेक्शन हो रहा है तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? ये सब तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? मुझे तो बहुत कम लग रहा है। शास्त्री जी। हाँ मैं वहीं पर आ रहा हूँ। आप अंगूठी लाए? ये लीजिए एंगेजमेंट रिंग। सगाई के दिन के लिए साड़ी आप अपने हाथों से ही सिलेक्ट कर दीजिए। हाँ अभी सिलेक्ट कर देता हूँ। कला मंदिर, सिंबल ऑफ मुंबई, बुधवार, बृहस्पति, ब्लू सिलेक्ट करते हैं। हे, बेकार कलर है ये, कोई अच्छा कलर सिलेक्ट करो। ये सीन है, सीन है। मेरा हीरो गंधम, गिरी गिरी गंधम, तारा तंदम, तुम्हारी सुंदरता अत्यधिक उत्तम, शुभ कार्य के लिए ये परफेक्ट मैचिंग है। क्या खाक मैचिंग है? मेला देखने के लिए थोड़े ना जा रहे हैं? ओ, स्मार्ट। क्या बकवास चल रही है ये? ए, कब से सुन रहा हूँ, क्या जानते हो तुम? तुम इन साड़ियों के सिलेक्शन के बारे में क्या जानते हो? तुम्हें लगता है मैं साड़ियों के बारे में नहीं जानता? अगर जानते हो तो बताओ। जदनपुरी की साड़ी श्रृंगार शास्त्र को पढ़ाया आपने? ऐसा कोई शास्त्र होता है क्या? तुमने पढ़ा नहीं है? नहीं पढ़ा। तो फिर है, इट्स कन्फर्म। है क्या उस शास्त्र में? बताओ क्या उस शास्त्र में? बताओ क्या? माजे अब बुरा मत मानिए श्रद्धा, प्लीज। हजारों लाखों पैसे खर्च करके भर भर के साड़ी खरीदने से कुछ नहीं होता। वेदर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, फिगर के हिसाब से, किस फंक्शन के लिए कौन सी साड़ी, सब है उसमें। अच्छा जैसे हमें तो पता ही नहीं है, तुम एक बार पहना कर तो बताओ। ये तूने क्या किया? पहनाना है तो उतारना भी पड़ेगा ना। उतारना है तो बताना होता है ना। 50 सालों से छुपी बॉडी को ऐसे बीच बाजार में खोल डाला, अब वहाँ किसी और को जाकर पहनाओ। तो क्या दूल्हे को पहना है? आर यू क्रेजी, साड़ी लेडीज पहनती है। तो फिर श्रद्धा को ही पहना दो। ये तुम क्या कह रहे हो? इसमें क्या है भाभी, शोरूम में आदमी औरतों को पहना कर नहीं दिखाते? ये भी ऐसे ही है। फिर ये भी तो साड़ी पहनना सीख जाएगी, फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। हाँ बिल्कुल। इसके कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चला रहा है भाई। करण, विद योर परमिशन, टेक इट इजी बॉस, कैरी ऑन। सो माय डियर लवली लेडीज, चेंज द पोजीशन। ओके, तो आप शादी पर जाएंगी, रिसेप्शन जाएंगी, एंगेजमेंट जाएंगी या बर्थडे जाएंगी? ये कहीं क्यों जाएगी?
कहीं क्यों जाएगी ये? शास्त्री नैनो गुस्सा मत कीजिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, श्रद्धा मायके किसी प्रोग्राम के लिए आई, तब उसके लिए बेस्ट साड़ी, उसके लिए बेस्ट ज्वेलरी पहनकर वहाँ पर छम छम करती घूमती रहे, हंसते हंसाते, तो देखने वाले सब क्या सोचेंगे कि वो देख उसका पति उसे कितना खुश रखता है। आप क्या कहते हैं दीदी? अरे वाह बेटा, क्या बात कही है तुमने। देखा ना शास्त्री जी, वही ससुराल का कोई फंक्शन होगा तो साड़ी, सिंगल बैंगल, छोटे स्टिकर की बिंदी लगाकर सिंपली जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पूरे शरीर में देवी की तरह गहने पहनकर जाएगी तो? अरे बाप रे, ये तो हमारे बेटे की कमाई खा रही है, ऐसा कहने लगेंगे। तुम साड़ी तो पहना ही नहीं रहे हो। मैं वहीं पर आ रहा हूँ शास्त्री जी, जरा रुकिए दो मिनट। ये देखो नैनो शास्त्री, श्रद्धा साड़ी को समोसे की तरह नहीं लपेटना चाहिए और ना ही ऐसे बदन पर लपेट लेना चाहिए। एक तरफ से घुसाकर, उसकी सलवटें हटाकर, ऐसे आखिर तक लाकर, पल्लू को ऊपर ओढ़कर, उसके बाद देख रहे हो ना, ऐसे हौले हौले लपेट कर, छोटे छोटे हाथों से, शास्त्री जी देख रहे हो ना, सबको साथ मिलाकर। राजा अपनी बर्बादी पर सीटी बजाने वाले बेवकूफ को पहली बार देख रहा हूँ मैं। सीन मस्त है, डाल देंगे। आपकी मर्जी। हिट है ना? हाँ हाँ। You have everything best bro, best car, branded clothes and a beautiful fiance. Thank you. तुम्हारे डैड। हेलो। हाँ अंकल, आपका एक घंटे के अंदर ये तीसरा कॉल है। वो क्या ना बेटा, कि आकाश तुम लोग के साथ नहीं गया तो थोड़ी सी फिकर हो रही है। हमेशा आकाश पर नहीं अंकल, मुझ पर भी भरोसा कीजिए, पूरी लाइफ मेरे साथ ही रहने वाली है। ठीक है बेटा, संभाल के। ओके अंकल। हमारे डैड बहुत ज्यादा केयरिंग है। कम ऑन। हॉट फिगर है भाई, लेट मी चेक। सर आई जस्ट ओके। इडियट, कांट यू सी? टेक इट इजी बेब, टच पसंद आए तो टच में। उम्मीद है इस टच के बाद किसी को तुम टच नहीं करोगे। ओह सॉरी बॉस, सॉरी, ही इज ओवरलोडेड, प्लीज अंडरस्टैंड। टेक हिम आउट। ए जाना बाहर। ए गाना चल मेरे साथ। यू ओके? ओह माय गॉड, it's 4 in the morning. क्यों रे, ऊपर पड़ी हो काफी नहीं थी क्या? ए, 10 लोगों के सामने एक निहत्थे को नहीं मारा जाता, जो 100 लोगों का सामना करता है वही असली मर्द होता है।
मेरे फ्रेंड ने तुम्हारे फ्रेंड को मारा तो सब आ गए, तुम्हारे फ्रेंड को मैं मारूंगा तो फ्रेंडशिप भूल जाओगे, इनको अगर किसी ने हाथ भी लगाया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इनके लिए मैं मरने को तैयार हूँ, उसके लिए तुम मरने को तैयार हो? अबे फिल्मी डायलॉग सुना रहा है हमें, चलो मारो इसको। ए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पंगा ले रहा है, आज नहीं तो कल देख लेंगे। कल तक पोस्टपोन क्यों करना है बे, चल आज ही सारा हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। यहाँ आते वक्त डर नहीं लगा, अब मरने से क्यों डरते हो? फ्रेंड्स का मतलब साथ मिलकर पीना नहीं होता, पीने वाले फ्रेंड ने अंदर क्या किया है पता है तुम्हें? मुझे पता है। टच पसंद आए तो टच में रहना। हमारे घर की औरतों को ऐसा करने से हम कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, ऐसा सोचने वाला जो कोई भी हो उससे दो दो हाथ कर सकता है। तुझे मार पड़ी है, जैसे ही ये बात हमें पता चली बिना सोचे समझे तुझे सपोर्ट करने चले आए, इसमें गलती तेरी नहीं हमारी है, सॉरी बॉस, चलो यहाँ से। करण, हमारे भरोसे जो आते हैं उन्हें सिक्योरिटी देने का मतलब छोड़ना नहीं होता, बचाना होता है। वेलकम टू इंडिया, मौत का सामना करवाकर वापस भेज दिया। सिक्योरिटी देने का मतलब छोड़ना नहीं होता, बचाना होता है। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो पापा? ए, शादी में डांस कम नहीं रहना चाहिए। हाँ, क्या कहते हो? ए, वॉल्यूम और टेस्ट करो। आप कीजिए पापा, आप कीजिए। हाँ। I'm done. फिर से मैं ही जीता। क्या हुआ बेटी, हमेशा तो तुम मुझसे जीतती हो, फिर आज क्यों हार गई, वो भी दो दो बार? करण मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा डैड। ये अचानक क्या हुआ बेटी? अगर मैं ना कह रही हूँ तो इसकी जरूर कोई वजह होगी ना डैड? तो फिर किसी और मिनिस्टर के बेटे का रिश्ता चलेगा? मेरे लिए मिनिस्टर का बेटा या आईएएस के बेटे क्यों ढूंढ रहे हैं आप? जीवन में बढ़ने वालों से ज्यादा जो बढ़ चुके हैं उनके बच्चों की लाइफ अच्छी होती है बेटी। You're wrong. सचिन का बेटा सचिन नहीं बन सकता, जिस इंसान में आगे बढ़ने का हौसला हो ऐसा कोई ढूंढिए। हमारी श्रद्धा बिल्कुल सही कह रही है, आगे बढ़ेगा ये जानकर हमारे सुपरस्टार रजनीकांत ने धनुष को अपना दामाद बनाया, उसी तरह राजेश खन्ना जी ने अक्षय कुमार को अपना दामाद बनाया। सही इंसान की पहचान कर लो तो वो जरूर तरक्की करता है। ऐसा आखिर है कौन? वो हमारे घर में ही है डैड, आकाश। कौन आकाश? वो हमारे यहाँ नौकरी करता है बेटी। सिर्फ नौकरी करता है तो हम उस पर इतना भरोसा करते हैं, अपना बन जाए तो हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं ये सोचिए। आप ही मेरे लिए बचपन से हीरो रहे हैं, वो भी आपकी तरह सेल्फ मेड है डैड। कहाँ उसका वो गांव और कहाँ होम मिनिस्टर, लेकिन इस मुकाम में पहुँचने में उसे 2 महीने भी नहीं लगे हैं डैड। फिर अगले 10 सालों में वो कितना दूर निकल जाएगा, यू कांट इवन इमेजिन। ये पढ़े लिखे बच्चों से यही परेशानी, जितनी ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है तब तक मुझे सोचने का थोड़ा टाइम तो दो। अरे तू पागल तो नहीं हो गया है ना? श्रद्धा से तुम्हारी शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, बोल चुका हूँ, फिर भी मुझे यहाँ बुलाकर सेम टॉपिक रिपीट क्यों कर रहा है तू? शास्त्री जी, परसों श्रद्धा के बर्थडे वाले दिन पर हमारी शादी की अनाउंसमेंट पक्की है। हमने बैचलर पार्टी बैंकॉक में प्लान भी कर ली है, तो भाई हम फ्लाइट में कब बैठने वाले हैं? बहुत जल्दी। अरे ओ भाई, सबकी खुली बोतलों, मुहूर्त तो मैंने पक्का किया है, लेकिन भाई ने वो लड़की पक्की कर दी है। ग्रहों को अपनी उंगली पर नचाने वाला इंसान मैं हूँ, लेकिन अपने भाई तो सिर्फ इंसानों को ही नचा सकते हो। मेरा मजाक उड़ाता है, नाश होगा, नाश होगा, नाश होगा, सर्वनाश होगा। चल चल साइड हट जा, कहते जो आ गया पंडित जी, हट जा। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। अंदर आइए सर, चलिए।
नहीं क्यों यार, लेकिन इतनी चकाचौंध देखने के बाद मुझे डर सा लग रहा है। ए, डरने का नहीं, आगे आगे देखो। सभी को मेरा नमस्कार। हमारी पार्टी के रौनक बढ़ाने के लिए सीएम साहब का और अपनी पार्टी के सभी मित्रों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को बर्थडे पार्टी में बुलाने की एक खास वजह है। हम अपने पास काम करने वाले ड्राइवर को तनख्वाह देते हैं, उनके परिवारों को तोहफे देते हैं और जो मजबूरी में फंसे हों उन्हें थोड़े ज्यादा पैसे, लेकिन कभी भी हम लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। लेकिन आज आप लोगों को मैं एक इतिहास बदलने वाला फैसला सुनाने वाला हूँ। मेरे पास काम करने वाले एक कार्यकर्ता जैसे, एक सिक्योरिटी जैसे मिस्टर आकाश नारायण, इनके साथ मैंने अपनी बेटी की शादी करवाने का फैसला किया। यह कैसा ट्विस्ट है? लीजिए लीजिए पंडित, माफ कर दीजिएगा सुभाष सिंह जी। अब मेरा होने वाला दामाद अपनी खुशी को आप लोगों के साथ बांटेगा। आकाश आओ। इतने बड़े लोगों के सामने क्या बात करनी है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं भूल गया, सभी को मेरा नमस्कार। यह इतनी बड़ी खुशी है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। एक प्रदेश के होम मिनिस्टर जी मुझे अपना दामाद बनाना चाहते हैं तो इस संसार में मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। वो किस लिए? मैं ये शादी नहीं कर सकता। कारण ये है कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और सिर्फ उसी के लिए जी रहा हूँ। पहले ही किसी से फिक्स की हुई लड़की से जबरन शादी करवा रहे हैं, ऐसा कुछ दिल में है तो बोल दो। मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते इसलिए किसी और से प्यार करता हूँ, किसी और को पसंद करता हूँ, ऐसा झूठ मत बोलो। आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा। किसके सामने बात कर रहे हो पता है ना? आधे शहर को खरीदने की हिम्मत रखते हैं वो, होम मिनिस्टर की बेटी है। झोपड़पट्टी से उठकर मिनिस्टर्स कॉलोनी में आ जाओगे? मैं जिससे प्यार करता हूँ वो लड़की तो एक अप्सरा है, मुझे पैसे का लालच नहीं। क्यों रे, हमारा फ्रेंड आकाश इतना बदल कैसे गया? ए, कौन है वो लड़की? इतना प्यार करते हो तो उससे तुम शादी नहीं कर सकते? मेरा वन साइड लव है सर। सच बताओ तुम किससे प्यार करते हो, हम सब मिलकर तुम्हारी शादी करवाएंगे। नहीं बता सकता सर, बता दिया तो आप ही मुझे मार डालेंगे। क्या बात है, सीएम के सामने किसकी हिम्मत है जो तुम्हें मारे? एक स्टेट का मुख्यमंत्री होकर मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम किस लड़की से प्यार करते हो बताओ, मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। इतने सारे मीडिया मित्रों के सामने डीजीपी साहब ने हिम्मत दी और सीएम साहब ने वादा किया तो मैं बता ही देता हूँ। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो है मिस मीरा, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की इकलौती बेटी। अरे बाप रे बाप, सीएम की बेटी है। मैं ये पाप होते नहीं देख सकता, मैं मर जाता हूँ। यार फालतू बड़बड़ा रहा है। क्या? हाँ है सर। तो मैं मर जाता हूँ। अरे शास्त्री जी, शास्त्री जी आपको झटका कैसे नहीं लगा? उसके दिए झटके के सामने ये झटका कुछ भी नहीं। ब्रदर ये कल पेपर में आएगा ना? पेपर की हेडलाइन बनेगा सर।
ही सेंचुरी मारी है, ना ही टेनिस का टाइटल जीता है इन्होंने। ना तो बिजनेस के टाइकून है, ना ही यूथ के आइकॉन है, लेकिन वो राज्य में किसी फेमस पर्सनालिटी से कम नहीं है। एफबी पे, एफएम पे और ट्विटर पे जहाँ देखो वही हॉट टॉपिक है। ऐसे सेंसेशनल सेलिब्रिटी आकाश नारायण के बारे में आज एक्सक्लूसिवली देखिएगा। बाहर क्या कर रहे हो? मीडिया कभी वेट नहीं करती। डोर ओपन नहीं है सर। डोर ओपन करके हमारा स्वागत करेंगे, हम उनके रिश्तेदार हैं क्या? हमें खुद अंदर जाना होगा। कहा था ना हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर क्यों आए? हमारे पास पूछने के लिए बहुत कुछ है, जवाब देना जरूरी है। वैसे आप हैं कौन? पॉल, आंवला पॉल। ये कैसा नाम है? यस, आंवला पुरम पॉल। सब लोग अपने नाम को शॉर्ट करते हैं, मैंने गांव का नाम शॉर्ट कर दिया। ओह वाह। बाय द वे, मैंने आपके घर में कदम रखा है, आप बहुत लकी। अगर यहाँ से बाहर जाएंगे तो आप लकी रहेंगे। अच्छा अब बताइए, आकाश इतना फेमस होगा ये बात आपको पहले से पता थी? प्रकृति परिवर्तन पहले से पता चलता है क्या? ठीक है, आकाश आपका लगता क्या है? हेडेक लगता है। हेडेक लगता है, स्टमक एक लगता है, इन बीमारियों के बारे में नहीं पूछ रहा। आपके उसके बीच में रिश्ता क्या है? मेरा देवर है। आपके घर में सभी ऐसे ही है क्या? ओके ओके ओके, आपका देवर होम मिनिस्टर की बेटी से शादी करेगा या फिर चीफ मिनिस्टर की बेटी? किसके साथ हो गए ये तो नहीं जानती, पर नहीं किया तो पिटेगा जरूर। ओह हो, उसने जो शॉक दिया है लगता है उससे पूरी फैमिली का फ्यूज उड़ गया है। यहाँ और हमें कुछ नहीं मिलेगा, सेंसेशनल न्यूज बनाने के लिए दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। कम ऑन शिफ्ट। आकाश यहाँ पढ़ाई करते थे, यहाँ खेलते थे और यहाँ धुआं उड़ाते थे, ऐसा गाँव वालों का कहना है। फुटेज किस चैनल को भेज दे? जो चैनल पैसा ज्यादा दे उसे भेज दो, उन्हें TRP चाहिए और हमें MRP। ओके बिल्कुल जी, मैं विपक्ष में होने के नाते कह रहा हूँ, CM अगर वादे से मुकरेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो आपकी CM से क्या क्या डिमांड्स हैं? फ्री करंट देंगे, बिना ब्याज के लोन देंगे, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता है। जो वादा किया है उसके मुताबिक बेटी की शादी करवाओ तब मानेंगे। क्या शादी करवाऊँ, वो हमारे स्तर का नहीं है जो उसकी शादी अपनी बेटी से करवाऊँ। मीडिया के सामने किए वादे से आप इनकार कर रहे हो? अपने किए वादे से मुकरना, की हुई सेवाओं को याद रखना हमारी पार्टी की आदत नहीं है। तो फिर क्या आप शादी नहीं करवाएंगे? मैं प्रेमियों का न दुश्मन कभी था न कभी बनूंगा। मेरी बेटी के दिल में क्या है वो मुझे जानने दीजिए। वही जानने के लिए मैंने भी तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन किस बारे में? इतने नादान बनने की कोशिश मत करो, हमारे बीच के प्यार के बारे में। कैसा प्यार? हमारे बीच तो पहले से ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई यही रिलेशन है ना। प्यार नहीं था तो तुमने मुझे बचाया क्यों? आपको बचाना मेरी ड्यूटी थी। ओहो, मुझे सबके सामने साड़ी क्यों पहनाई? हेल्प करना मेरे अंदर नेचुरल है। अगर सच में तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है तो फिर मेरे करीब क्यों आए? मैं आपके करीब नहीं आया, मैं तो अभी करीब हूँ। अंतर क्या है दोनों में? अफेक्शन और प्रोटेक्शन में जो अंतर है वही। बातों को कैसे घुमाकर बदलना है ये तो कोई तुमसे सीखे। पता है मीरा और मैं 8th स्टैंडर्ड से फ्रेंड्स हैं। तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में उसने मुझे कभी नहीं बताया और ना ही तुमने बताया। सक्सेसफुल लव स्टोरी होती तो सारी दुनिया को चिल्ला कर कह सकते हैं, लेकिन मेरा वन साइड लव है ये बात वो भी नहीं जानती। बहुत बढ़िया, मेरा प्यार तुम्हें नहीं पता और तुम्हारा प्यार उसको नहीं पता। वैसे वो सालों से यूरोप में है और तुम हो विलेज बॉय। तुम दोनों आखिर मिले कहाँ थे? पुष्कर में मिले थे। गोदावरी में नहाकर जिंदगी बेहतर हो जाएगी, यही सोचकर मैं पूरी फैमिली के साथ पुष्कर गया था। वहाँ लाखों लोगों की भीड़ थी और दूसरी तरफ वहाँ एक मंदिर का उद्घाटन करने आए CM का कारवां। बहुत गहमा गहमी थी, इन सब में मुझे क्या करना पता नहीं था, तो मैंने दादी ने दिए हुए गमछे को लपेटा और पानी में डुबकी लगाई। तीसरी डुबकी लगाकर बाहर निकला तो सामने खूबसूरत लड़की, एक साथ मन में सैकड़ों बांसुरियां बजने लगी। कौन थी वो लड़की पता किया तो CM की इकलौती बेटी। पुष्कर में नहाने से पुण्य मिलता है ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में तो मीरा आ गई। जान पहचान करने के लिए मैंने हेलो कहा, पुलिस ने लाठी मार के चलो कहा, उसे मैं भुला नहीं पा रहा था। गोदावरी एक्सप्रेस में बैठकर CM के ऑफिस में पहुंचकर बाकी विजिटर्स की तरह रोज उसे देखता रहता। पौधों को पानी देती मीरा, नन्ने नन्ने पपियों को पेडिग्री खिलाती मीरा। अचानक वो गायब से हो गई। क्या हुआ जब इंक्वायरी की तो पढ़ाई के लिए यूरोप चली गई बताया। 1,00,000 उधार लेकर एमिरेट्स फ्लाइट में बैठकर विक्टोरिया कॉलेज में लैंड हुआ। ऐसा कुछ दिन पीछा करने के बाद
उसके रेंज रोवर के साथ मेरी रेंजर साइकिल सूट नहीं करेगी, इसलिए मैं ड्रॉप हो गया। ऐसे में पीने का सोचा तो दोस्त साथ नहीं थे, फ्लाइट के लिए अब जेब में पैसे नहीं थे, शेयर ऑटो की तरह शिप में बैठकर इंडिया आ गया। अब आप ही बताइए, ऐसी वन साइड लव स्टोरी शेयर करने पर मुझे सिर्फ कमेंट्स मिलेंगे लेकिन लाइक्स नहीं मिलेंगे। क्या हुआ, कहानी कंटिन्यू करो। कौन सी कहानी मैडम जी? मुझे तुमने पुष्कर में देखा था ना? ना ना ना, कल ही तो पार्टी में पहली बार देखा। यूरोप आकर भी मिले थे? यूरोप को तो मैंने सिर्फ मैप में देखा है, सच में कैसे पता नहीं। तो उससे झूठ क्यों बोल रहे थे? इस रिश्ते को कैंसिल करने के लिए। क्यों, वो लड़की अच्छी नहीं है क्या? हाँ, हाँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ इसलिए। वो लड़की तो मोती है और मैं तो हूँ कौवा, उसकी लाइफ स्पॉइल नहीं होनी चाहिए ना? तो मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया? किसी और लड़की का नाम लेता तो झूठ वहीं पकड़ा जाता, इसलिए सीएम की बेटी का नाम लिया। क्वेश्चन करने की किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। मेरे हार्ट को अगर हर्ट हो गया होता तो? ब्यूटी विद ब्रेन्स, वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। ऊपर से आप मुझ जैसे पर ध्यान नहीं दोगी ये जानता था। पापा सीरियसली ले लेंगे तो क्या? सुनिए मैडम, बेसिकली मेरा एक स्टाइल है, सामने वाले के रिएक्शन पर मेरा एक्शन होता है। तुम बहुत टेढ़ी चीज हो। हाँ जी, कोई सीधा ना कर सके इतना टेढ़ा। आई लव यू। तुमने बिल्कुल सही सुना। गेट रेडी टू गेट इनटू माय लाइफ। मीरा जी, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। जल्दी क्या है, जरूरत पड़ने पर जान लूंगी। मेरा गोल मेरी मंजिल अलग है। लेकिन आज से मेरे गोल सोल सब तुम हो। मैं कब कैसा रहूंगा मुझे खुद नहीं पता है। 365 डेज एक जैसे रहने वाले मुझे इरिटेट करते हैं। आई एम वाइल्ड। यू हैव नो आइडिया अबाउट मी। वेट फॉर माय डैड्स कॉल। तुम क्या कह रहे हो? ये कैसी माया है यार, सीएम साहब की बेटी ने खुद आगे बढ़ के प्रपोज किया, अब कौन सा झूठ बोलकर पटा लिया उसे? कोई झूठ नहीं बोला मैंने, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बस फट गई। अरे शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हाँ। तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है ये तो बता दो। फ्यूचर को प्लान नहीं करना चाहिए शास्त्री जी, एंजॉय करना चाहिए। दीन अब्बा जीवित हूँ, ब्रह्मचर्यमा ना ब्रह्मचर्यमा? శాస్త్రాలను 50 ఏళ్లుగా బ్రహ్మచర్యంతో స్త్రీలను పక్కన పెట్టానురా, నా గెరిట నేనే తిప్పుకున్నానురా, ఇంకెందుకురా ఈ జీవితం, ఇంకెందుకురా ఈ దండ, ఇంకెందుకురా ఈ పంచ, ఇంకెందుకు ఈ బట్టలు? ఈ రోజు నుంచి నా పేరు శాస్త్రిలో సేవ ఉండదు, ఓన్లీ స్త్రీ ఉంటది. స్త్రీ నువ్వెక్కడ? శాస్త్రి గారు, స్త్రీ నువ్వెక్కడ? कौन है बे, आंखें फूट गई है? hey! ये तो पंडित जी जैसा लग रहा है। सिद्धेश्वर जी, आप यहाँ? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। ओहो, दानवीर कांड की तरह राजपाट त्याग कर गरीब क्यों हो गए आप? अब मैं आपको क्या बताऊँ पंडित जी, उसने जो मुझे झटका दिया, भैया ने मुझे घर से ही बाहर कर दिया। ओह माय गॉड, इसीलिए दिन में पीने का पानी बेच रहा हूँ और रात को सड़क पर इडली डोसा बेचता हूँ। और तुम्हारी फैमिली कहाँ है? बीवी पार्सल बनाती है और बच्चे चटनी बनाते हैं। ओह माय गॉड, पंडित जी हमारे होटल में खाने के लिए एक बार जरूर आना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, मैं तो कब से ही बता रहा था तुम्हें ये रियल स्टोरी है सिद्धेश्वर जी, लेकिन आप नहीं माने। इसके अलावा ऐसे यो चुटकी बजा बजा कर ये मेरी स्टोरी बताकर मुझे चिल्ला रहे थे। ये सब आखिर किया क्यों, अपने गाँव नहीं जा सकते थे? एक दुनिया अगर फालतू की बात करोगे तो अभी तुम्हें अकल नहीं आई? अरे हीरो बनने के लिए मैं गाँव छोड़कर आया था तो उन लोगों को क्या जवाब देता, क्या कहता? पंडित जी बॉलीवुड ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमें भी उसे कुछ न कुछ देना होगा ना, वरना हजम नहीं होगा। मतलब इंडस्ट्री को गोद ले ही लिया आपने? गोद ले लिया मतलब 2-3 कॉमेडी सीन, 2 रेप सीन करके चला जाऊंगा, मत समझना। उसे, तुम्हें, भैया को, सबको एक ना एक दिन जरूर दिखाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ने वाला। एक बात सुन लो, मैं बाहुबली 3 का हीरो बनकर दिखाऊंगा तुम सभी को। फिलहाल तो चलता हूँ, कैन देकर घर डोसा का आटा लेकर जाना है। ओह माय गॉड, do 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 do
वन मिनट या पर तुम ये खूबसूरत फूल लेकर आई हो? तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए आई हूँ। क्या थैंक्स? वो क्यों? तुम्हारी वजह से ही तो आकाश मुझसे मिला है। ये मेरी वजह से कहाँ हुआ? वो तो तुम्हारे प्यार के चक्कर में तुम्हारे पीछे यूरोप तक आया था। क्रेजी गाय। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी। स्टोरी सुनाई? हाँ, वैसे प्यार करने के लिए स्टोरी सुनाया तो गलत है, लेकिन प्यार से बचने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब सब कुछ एक झूठ था। और ऐसे लड़के को तुमने हाँ कह दिया? ऐसा है, इसीलिए तो मैंने उसे हाँ कहा है। समझाती हूँ। उसके बारे में पता किया, फेमस होने के लिए नेता को पत्थर मारा, प्रमोशन मिलते ही मिनिस्टर को बीच सड़क पर छोड़ दिया, और तुमसे शादी रुकवाने के लिए मेरा नाम ले लिया। ही समथिंग। उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड की दीवानी हो गई मैं। श्रद्धा, अक्सर हम लड़कियों के दिमाग में एक उम्र हो जाने तक कुछ क्वेश्चंस हमेशा चलते ही रहते हैं, कि सुंदर लड़के से शादी करें या पढ़े लिखे लड़के से या पैसे वाले लड़के से। लेकिन आकाश से मिलने के बाद सारे सवाल के जवाब मिल गए कि अकलमंद लड़के से शादी करनी चाहिए। यस, मुझे भी सारे जवाब मिल गए। मम्मी, हाँ? करण के घरवालों ने फिर से फोन किया था क्या? रोजाना दिन में दो बार फोन कर रहे हैं। ओके कर दे क्या? कन्फर्म उन्हें नो कह दो। मैंने आकाश से ही शादी करने का फैसला कर लिया है। लेकिन उसने तो ना कह दिया ना बेटी। पर मैंने अब तक हार नहीं मानी है। आप ही बताइए, क्या उसे मीरा के लिए छोड़ दूं? डैड को कब का सीएम बन जाना चाहिए था, लेकिन उसकी डैड ने मेरे डैड को रोक रखा है, और अब वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। वो मेरा है, आकाश को मैं हासिल करके ही रहूंगी। बहुत हो गया, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है मुझे। यही कि तुम्हारी उसके साथ लव स्टोरी है। तुम्हारे लिए कैसे कैसे रिश्ते आ रहे हैं तुम्हें पता भी नहीं है। पता है डैड, मुझसे जिसे भी शादी करनी थी वो मेरी रेंज से बाहर था। ऊपर देखिए डैड, आपको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? रूफ। मुझसे जो शादी करना चाहते थे वो रूफ की तरह ही थे। वहाँ लाइट, फैन और फॉल सीलिंग के अलावा और कुछ नहीं होता। उनकी जगह आकाश हुआ तो वो बिल्कुल अपने नाम जैसा है। उसके साथ बादल मिलेंगे, बिजली कड़केगी, मौसम बदलते रहेंगे। लाइफ विल बी थ्रिलिंग यू नो। वो प्लेटफॉर्म पर रहता है, तो आप ही उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दीजिए, जस्ट फॉर अ चेंज। उसकी औकात नहीं है कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ सके। क्या अलग है उसमें? इंसानों में काफी चीजें कॉमन होती है, चाहे वो रंग में हो, दिखने में हो या पर्सनालिटी में हो, पर एक चीज कॉमन नहीं होती, और डैड वो है दिमाग। और आकाश के पास जो दिमाग है वो मुझे पसंद है। क्या सर, आपने थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए। कोई अगर पत्थर से मारे तो उसे जेल में डालना चाहिए, न कि उसे नौकरी पर रखना चाहिए। मैंने तो सिर्फ नौकरी पर रखा था सर, लेकिन इन्होंने तो घर में ही घुसा लिया। क्या भाई, जब विनाश काल चल रहा हो तो कोई भला क्या कर सकता है। वो तो एक हीरो एंट्री मारता है और लड़कियां तिलमिलाने लग जाती हैं। मुझे तो सड़क पर छोड़ गया था, इसे तो बीच में ही लटका दिया है। आफ्टर ऑल एक कॉमन मैन से ज्यादा कुछ नहीं है वो। लेकिन उसके लिए एक चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और विकास मंत्री बैठकर पंचायत कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो रातों रात उसकी कहानी खत्म नहीं कर सकते क्या? कैसे खत्म करूं मैं? वो अब कॉमन मैन नहीं है, सेलिब्रिटी है। शहर का बच्चा बच्चा उसे पहचानता है। उसके ऊपर मक्खी भी भनकी तो SMS कॉन्टेस्ट रख देंगे चैनल वाले, CM ने मारा या होम मिनिस्टर ने मारा। उसे हटाएंगे पर दिमाग से। सुरेश कुमार सर, शास्त्री को फोन लगाओ। हाय, आई एम अर्जुन विद लॉट्स ऑफ गुण। इसी एक्सप्रेशन को बदलने के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं। आई वॉन्ट यंग, यू नो व्हाट? यंग पोर्गी। चला, तुम्हारी उम्र कितनी है? यहाँ आने वाले लोग सवाल कम पूछते हैं, फिर भी जवाब मिल जाता है, समझा? वन मिनट। हेलो, कहाँ पर हो शास्त्री? मैं तो फिलहाल मोक्ष का मार्ग ढूंढ रहा हूँ सर। अर्जेंटली गेस्ट हाउस पर आ जाओ। नहीं सर, मैं नहीं आ सकता, मैं अपनी पुरानी हिस्ट्री को नया कर रहा हूँ। तुम क्या पागल हो गए हो जो तुम मुझे मना कर रहे हो?
इसको क्या बताऊँ, कैसे समझाऊँ कि मैं कहाँ हूँ? नहीं सर, सर मैं जहाँ हूँ ना वहाँ पे मैं 5 मिनट में तुम यहाँ आ जाना, वरना टास्क फोर्स वहाँ आ जाएगी तुम्हें लेने। ये नहीं हो सकता सर। बताओगे क्या नहीं हो सकता? फैक्ट है सर, वहाँ शुक्र का चक्र भी घूम रहा है। हम चाहे जिस दिशा में क्यों ना चले जाए, हमें शनि की दिशा में वो उठाकर फेंक देगा। उससे पंगा मत लेना वरना एसिड से नहाने जैसा हो जाएगा सर। तुम तो कहते थे कि ऐसी कुंडली मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। हम ऐसा ही सोचते हैं सर, मुंबई में भाई जान से बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं, यही सोचते थे ना। लेकिन क्या उसे रणबीर ने ओवरटेक नहीं किया? ये भी ऐसा ही है सर, इसकी कुंडली भगवान ने नहीं लिखी है, उसने खुद लिखी है, और उसे ओवरटेक करना मुश्किल है। उसकी पावर को रोकने के लिए आपकी मैन पावर कम पड़ जाएगी। हम इतने बड़े पोजीशन पे रहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते सर। अगर आप उसे कुछ छीनना चाहते हो तो सॉरी सर, एक धर्म युद्ध प्लान करना होगा, उसे अधर्मता से जीतना होगा। सुरेश कुमार सर, उसके जन्म से लेकर अब तक का सारा बायोडेटा 24 घंटे में मेरे पास होना चाहिए। सर ये उसका गांव है, ये घर है, और ये फैमिली। कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की है सर। टीवी पर क्रिकेट मैच देखने के लिए एक बड़ी कंपनी का इंटरव्यू भी छोड़ दिया इसने। पेपर में नाम पाने के लिए मिनिस्टर साहब को पत्थर भी मार दी। वो देखिए सर, यहीं पर मुझे पत्थर मारा था सर। यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ, और उसके बाद तो वो लगातार फेमस होता गया। hey, उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में बताओ। ये उसका बड़ा भाई प्रकाश नारायण और दूसरा भाई विकास नारायण, एक राजनगर के रेवेन्यू ऑफिस में है और दूसरा कॉलेज में लेक्चरर है। ये दो भाभियाँ, ये उनके बच्चे, ये उसकी माँ सरस्वती देवी और ये उसके पिता जय नारायण। रुको रुको रुको, रुको, रुको। तो ये जय नारायण का लड़का है। हाँ सर, अपने कुंदनपुर के जय नारायण का बेटा है। ये मेरी जिंदगी में प्यार के लिए नहीं आया है। प्यार के लिए नहीं आया है। वो कोई प्रेमी वेमी नहीं है, सैनिक है। वो तुम दोनों को कुचल कर मुझ तक पहुंचाए कि मुझे कुचल सके। उसका शिकार मैं हूँ, निशाना मैं हूँ, गोल मैं हूँ। वो एक कॉमन मैन रहकर जो नहीं कर सकता, उसे सेलिब्रिटी बनकर करना चाहता है। अच्छा प्लान है, प्लान उसने किया, लेकिन उसे पूरा मैं करके दिखाऊंगा। सुरेश कुमार सर, कल उससे शादी की बात करनी है ये कहकर अपने गेस्ट हाउस में बुलाओ। हेलो मीरा जी, सीएम साहब ने शौक दे दिया। कुछ देर पहले सुरेश जी का फोन आया था, हमारी शादी की बात करने के लिए कल सुबह 9 बजे गेस्ट हाउस बुलाया है। What? I just can't believe this. Dad इतनी easily मान भी गए। इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। No. I just had a shower. घर में कौन कौन है? ओके अच्छा बताओ, तुम्हारी स्किन इतनी गोरी गोरी कैसे है? क्या लगाती हो? सीक्रेट है, ब्यूटी टिप्स बताई नहीं जाती। ओहो, शावर किस शैम्पू से करती हो? वो सब छोड़ो, तुम क्या यूज करते हो? जब से तुमसे मुलाकात हुई है तब से मेरा शैम्पू ही पूरे शरीर पर लगा लेता हूँ। फ्रीज। क्या हुआ? पानी की एक बूंद बिल्कुल एक हीरे की तरह तुम्हारे बालों पर कैसी लग रही है देखो तो। अब वो तुम्हारे माथे से धीरे से होते हुए धीरे धीरे तुम्हारे नाक के ऊपर आकर वहां से होंठों को चूमकर खूबसूरत गले से होते हुए नीचे फिसल गए, तुम्हारे हुस्न को छूते हुए नीचे उतर कर सांसों के साथ साथ सर से ऐसे आखिर में नाभि में आके क्या कुंडली बनी है तेरी, शुक्र महादशा। रुक जाइए, तुमने किसको रोका है पता है? मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ। हो जाओगे उसके बाद भी चेक करेंगे। अरे भाई, अंदर कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी है क्या? जनरली यहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं। मजाक कॉमेडी, क्या बात है दोनों की। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारा गांव कौन सा है? कुंदनपुर है सर। तुम्हारे पापा का नाम? जय नारायण सर। क्या करते हैं? नहीं रहे सर,
ऊपर चले गए। कैसे? वो हमारे गांव के प्रेसिडेंट थे, गरीबों को बीमारी दूर करने के लिए फिश की दवाई देते थे। एक दिन उस दवा ने बुरा असर किया जिससे बहुत लोगों की जान चली गई। इसलिए लोगों को गुस्सा आया और उनका कत्ल कर दिया। तो लोगों ने तुम्हारे पापा की जान ले ली? छोड़िए ना सर, बचपन में हुए हादसे की बात अब क्यों याद दिला रहे हैं? आपने शादी की बात करने को बुलाया था, वही बात करते हैं ना। मतलब सच में तुम्हारे गांव वालों ने ही तुम्हारे पापा की जान ले ली थी? हाँ सर। ओके ओके, तो ऐसे चल बसे थे। सॉरी, एक्चुअली मुझे तुम्हें बुलाने का पर्पस ही अलग था। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, इसलिए तुम्हें जिंदा वापस छोड़ रहा हूँ। सुनो, मेरी बेटी की शादी होने तक इंडिया छोड़ दो। क्या सर, वार्निंग दे रहे हो? ऑर्डर। ऑर्डर है तो इस देश को ही क्या, इस शहर को भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैंने फैसला कर लिया। तुम किससे क्या बोल रहे हो पता भी है? एक सिग्नल दूंगा तो शरीर में सैकड़ों गोलियां धस जाएंगी। हाँ दीजिए ना। ए, 5 साल से सत्ता में रहने वाला सीएम हूँ मैं। 100 सालों से सत्ता में रह रहा सीएम हूँ मैं, कॉमन मैन, वोट पावर। मैं चाहूँ तो 1 घंटे में हवा में गायब हो जाऊँ। 1 घंटा नहीं, 24 घंटों का टाइम दे रहा हूँ। जितनी तरह से चाहते हो उतनी तरह से कोशिश करो। इस बात की हेकड़ी है तुम्हें? फेमस हो गए हो या सेलिब्रिटी हो गए हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी करो प्रेस मीडिया पीछे पड़ जाएगी, ये सोचते हो? मैं सपोर्ट लेकर ऊपर आने वालों में से नहीं हूँ, खुद के दम पर ऊपर आया हूँ। क्या है ये सुसाइड नोट? मेरी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ, ये लिख कर दिया है मैंने। इंसानों का इस्तेमाल करो या शैतानों को बुला लो, दिमाग का इस्तेमाल करो या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, तुम्हारी मर्जी। 24 आवर्स सीएम वर्सेस सीएम, कोशिश कर लो। चौबीस घंटों के अंदर मैंने मेरे हाथ रंगे बिना तुम्हें नहीं मरवाया तो अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करवा दूंगा। मेरी शुक्र महादशा सालसा डांस कर रही है, यूँ खिलवाड़ मत करो, एक बार सोच कर देख लो। मुझे नहीं तुम्हें सोचना है कि इस कंपाउंड को कैसे पार करो। जनरली मीडिया बात करे तो हम कानों से सुनते हैं, लेकिन जब कान में ही मीडिया हो तो कैमरा लगा कर आए हो। शेर का शिकार बन जाओ, मैं बलि का बकरा नहीं हूँ, मैं शेर का शिकार करता हूँ। इंटेलिजेंट सेक्रेटरी सुरेश कुमार, टेक केयर ऑफ ससुर जी। ससुर जी, सी यू आफ्टर 24 आवर्स। ससुर जी, कीप दिस। उठाओ सर, कैमरा। सर, ये कोई कैमरा वैमरा नहीं है सर, वो तो आपको बेवकूफ बना गया। उसकी तो मैं अब किसका फोन है? हेलो पॉल, आंवला पॉल। हे हे, मिस्टर पॉल, आप कैसे इस टाइम पर? अरे मैं कितनी बार फोन करूं तुम्हारे इंटरव्यू के लिए, मैं फोन कर रहा हूं यही बहुत बड़ी बात है। इस इंटरव्यू से तुम कहां पहुंचोगे पता है? फिलहाल बात करूंगा तो ऊपर पहुंच जाऊंगा। ओए, इस देश में मुझसे ज्यादा बिजी भला और कौन हो सकता है? मेरे कॉल करने के बाद भी ना कहोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। अभी इंटरव्यू करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? मैं कहां पहुंच जाऊंगा? हां वही 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 वही, आप इंटरव्यू करोगे तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? वही ना, रोड नंबर 12 पर आकर मुझे पिकअप कर लो, वही इंटरव्यू कर लेंगे। कमिंग, मेकअप करवा कर रेडी रहो। फंस गया ना, चलो मारो इसे। अरे कमेडियन भी हीरो के स्टंट करने लगे। ए, चलो जल्दी करो। व्हाट अ टाइमिंग सर, व्हाट अ टाइमिंग। इसी टाइमिंग की वजह से मेरा टाइमिंग बढ़िया चल रहा है। सर आप इंटरव्यू के पहले कार लॉक क्यों कर रहे हैं? मेरा स्टाइल ही ऐसा है। हाँ। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले डोर लॉक कर देता हूँ। हाँ। कहीं इंटरव्यू से पहले भाग गए तो? ओहो, बीच में अगर कहीं रुकना पड़े तो? चाहे जो हो जाए नहीं खुलेगा। हाँ। बताया ना मेरा स्टाइल ही ऐसा है। ओहो। अब बताओ तुम्हारा सफर कैसे शुरू हुआ था? पत्थर से। ये लोग कौन है? ये सीएम साहब के लोग हैं। तो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं उनकी बेटी के पीछे पड़ा था तो आप ये लोग मेरे पीछे पड़े। ये बात तुमने अब तक क्यों नहीं बताई? मैं आपको इंटरव्यू दूंगा तो मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा, इसलिए सोचा आपको इस चेस की कैप में ही बुला लूं। कैप में? आप सवाल पूछते रहिए, उनके
के नजदीक आने तक मेरा इंटरव्यू फिनिश कर दो। मेरी लाइफ को इस दुनिया के सामने ला कर रहो सर। अरे मौत सामने खड़ी है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ को दुनिया के सामने लेकर आऊँ? ये कोई टाइम है इंटरव्यू करने का? ठीक है सर, आप बीच में नहीं रुकने वाले थे। अरे गलती से कह दिया था, अब डोर लॉक तो खोलो। ये क्या है, इतने टेंशन में तुम गेम खेल रहे हो? टेंशन कम होगा ना, इसलिए जंगली रमी खेल रहा हूँ। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, डोर जल्दी से खोल। वन सेकंड, कम ऑन कम ऑन मिस्टर पॉल, हरी अप, कम ऑन, लेट्स कंटिन्यू द इंटरव्यू इन द ऑटो, प्लीज कम सर। अरे आगे आगे आगे, सुनो भाई, इंटरव्यू बाद में करेंगे, पहले मुझे इनसे बताओ। सुनो, मेरा गला सूख रहा है, कुछ पीने का इंतजाम हो सकता है? वन सेकंड सर, ये लीजिए पीजिए। अरे इसे ऐसे कैसे पी सकते हैं, दिमाग है कि नहीं? जरा इस नारियल को बाहर पकड़िए। यार दिया, इससे क्या होगा? अब देखो बस गटक लो। छोड़ने का नहीं, उसको जल्दी कर। अरे मार दे, ये लोग लगता है मेरा सीख कबाब बना के रहेंगे। अरे अपने सर से तो छती उड़ गई। ओपन एयर, ओपन इंटरव्यू के लिए, कमान कमान जल्दी कर। क्यों बे, हाँ मिस्टर पॉल प्लीज गेट डाउन, उतरिए। और कितना नीचे उतरूं? मैं पहले से नीचे उतर चुका हूँ। वो बचना नहीं चाहिए, पूरी फोर्स लगा दो। अरे कौन लोग हैं ये, चबाकर थूके हुए चुंगम की तरह पीछे पड़ गए हैं? जरा फोन दीजिए तो। तुम्हारा खुद का फोन नहीं है, तुम्हें जवाब चाहिए, जान चाहिए, फोन ये दो। कोई पूछने वाली बात है? 200 कैब्स अर्जेंट ऑन रिंग रोड। 200 कूल कैब किस लिए? अरे क्या यार, इतनी सारी टैक्सीज में उनकी टैक्सी कौन सी है, कैसे पता चलेगा? यार ये तो सच में बहुत शातिर है। ओहो, लाइफ का सबसे घातक इंटरव्यू। तू जा भाई। ये क्या है? मेरे ऑटो में सिर्फ यही बच गया है, डैमेज का 1,00,000 दो। हाँ 1,00,000। हेलो, चेक तो गया कैश। क्या चेक, क्या कैश? जो कूल कैब तुमने बुक की थी उसके पैसे, उसका बिल हुआ है 2,00,000 रुपए। 2,00,000 रुपए? ओ हे मीरा डार्लिंग, अक्की कहाँ गायब हो गए थे? मैं सुबह से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। डैड ने तुमसे क्या कहा? डैडी क्या कहेंगे, मैं गया, बात की और डन। ओके कर दिया उन्होंने? या ओह, आई एम सो थ्रिल्ड। ये तो कुछ भी थ्रिल नहीं है, आगे आगे देखो, बहुत सा थ्रिल मिलेगा। अक्की ओके बाय। नहीं नहीं, तुम्हारे घुंडों से कुछ नहीं होगा, पुलिस फोर्स कमांडो सबका इस्तेमाल करो, बस वो बचना नहीं चाहिए। वहां देख, गजपति अंकल, ये क्या है? चलो रे, चल चल, ठीक है आ जाओ। ए रोक,
वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरी जिंदगी में अंदर तक घुस चुके हो, बस चेयर पर कोने पर क्यों बैठ जाते हो तुम? इज्जत करता हूँ ससुर जी की, इज्जत रिस्पेक्ट। हाँ, रिस्पेक्ट। आपका पेपर वेट भी कुर्सी है, आपको शायद पावर में रहना बहुत पसंद है। क्या ये आप ही ने लिख कर दिया था? आपकी बात के मुताबिक आप अपनी बेटी मुझे सौंप देंगे, मैं उसे घर ले जाऊंगा, सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एक मिनट मेरी जगह पर आकर सोच कर देखो यार, तुम जैसे को मैं अपनी बेटी कैसे सौंप सकता हूँ? गुस्से में लेटर लिखने से पहले सोचना चाहिए था, मैंने कहा था ना शुक्र महादशा डांसिंग। देखो गोवा के पास बीच समंदर में मेरे पास एक आइलैंड है, 200 acres काफी होगा। मीरा को भूल जाओ, मीरा के बगैर आइलैंड किस काम का? शमशाबाद एयरपोर्ट के पीछे 300 acres जमीन है, मीरा के बिना वो जमीन किस काम की? ओके तो फिर 500 crores लिक्विड दूंगा, लाइफ टाइम सेटलमेंट। तो मीरा किस काम की? ठीक सुना आपने, 500 crore लिक्विड कैश, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने अभी जो फिगर बताई मीरा की फिगर कुछ नहीं है सर। एक दिन तो आपसे मैं पंगा ले सकता हूँ, पर मुझसे रोज रोज तो नहीं हो सकता ना। जल्दी कीजिए सर, मुझे खरीद लीजिए। तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है इसमें, तुम सचमुच मान गए हो? और क्या सर, आपका दिया ऑफर पसंद आया कह रहा हूँ तो आप फिर से कंफ्यूज कर रहे हो। सर हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, वो अपना मन बदल दे उससे पहले ये डील फाइनल कर दीजिए। कर दीजिए सर। बाप रे बाप, इतने पैसे तो मैंने सपने में भी नहीं देखे थे। मेरे वॉलेट में तो कभी 5,000 भी साथ में नहीं आए थे, और ये 500 crore, अरे बाप रे। मेरे गांव तक थोड़ा ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर देंगे, एम्बुलेंस होगी तो किसी को शक नहीं होगा। अब बताओ तुम्हारा प्यार कैसा है? आकाश आकाश की तरह है, वहाँ पर बादल मिलेंगे, बिजलियाँ कड़केंगी, मौसम बदलेंगे बोल रही थी ना, लेकिन वहाँ अंधेरा भी होता है बेटी, और ये उसी अंधेरे जैसा। वाह तुम तो कमाल के निकले, तुमने मेरे लिए इसको छोड़ दिया और फिर पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया, कल इन सबको भी छोड़ दोगे? मैं अपने डैड की तरह हूँ, डैड की तरह हूँ ये कहते थे ना, सच में तुम अपने डैड की तरह ही हो, अब समझ में आया। उन्होंने सेवा के नाम पर जैसे लोगों को धोखा दिया, तुमने वैसे ही प्यार के नाम पर हम दोनों को धोखा दिया। अब बस करो। तुम मेरे पापा के बारे में एक और शब्द मत बोलना, तुम जानती क्या हो मेरे पापा के बारे में? तुम जानती हो ये कौन है? सब हमेशा खुश रहे इसलिए सभी को अपने बेटे की तरह मानकर देखभाल करने वाले देवता थे मेरे पापा। मेरे देवता समान पापा कैसे मर गए जानती हो? जानती हो? जानती हो? हर साल की तरह इस साल भी मछली औषध प्रसाद के लिए आने वाले लोगों का कुंदनपुर स्वागत करता है। भगवान का आशीर्वाद मानकर जिस रोग को हम डॉक्टर तक नहीं मिटा सकते उसे जड़ से उखाड़ने वाली दवा देकर अपनी इस कला द्वारा हस्तिनापुर तक प्रसिद्ध महापुरुष हमारे जय नारायण जी है। मतलब वो डॉक्टर मेरे पापा के दोस्त हैं, सिर्फ इसलिए उन पर भरोसा नहीं करते थे, आसपास के लोग भी उन पर भरोसा करते थे, जलता सूरज भी उनके स्पर्श से ठंडा हो जाता था। साहब नमस्कार, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें निरोगी बनाएगा। जरा मुंह तो खोलो बेटा, यह कमाने के लिए नहीं है, सिर्फ सेवा के लिए है। डॉक्टरी पढ़ने वाले जो रोग सही नहीं कर सकते उसे ठीक करके पुण्य का काम कर रहे हैं, कम से कम हमारी खुशी के लिए तो। अगर आपको कुछ देना ही है तो हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए।
मेरे पापा की सेवाओं को देखकर पार्टी के हाई कमांड भी हमारे घर पर आए थे। ये राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। कोई जानकार आएगा तो वो राजनीति करेगा, और अगर आप आएंगे तो सेवा करेंगे। ऐसी सेवा करने वाले इस जिले में बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोग बारिश की बूंदों की तरह होते हैं, लेकिन आप अपने आप में ही समंदर हैं। लेकिन 15 सालों से टिकट का इंतजार कर रहे अशोक गजपति जी गलत सोचेंगे। सिर्फ कुर्सी के लिए सोचने वालों के बारे में हमारी पार्टी नहीं सोचती। जय नारायण जी, जिंदाबाद। जय नारायण जी, जिंदाबाद। लेकिन अशोक गजपति ने कुछ और सोचा। जब सब खुशियां मना रहे थे तब उसको टिकट नहीं मिली, उस कड़वे सच को कोने में छुपाकर मीठे झूठ से हाथ मिलाने के लिए मेरे पापा के पास आया। ये क्या है जी, दुख बांटने वाले समय पर आप मिठाई बांट रहे हैं? आपकी टिकट इन्हें मिल गई, आपको बुरा नहीं लगा? ना तो नहीं कहूंगा, लेकिन बुरा मानने से कोई मतलब नहीं होगा ये जरूर कह सकता हूँ। एक मंडल प्रेसिडेंट बनकर मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन एक इंसान होकर ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। काम करने पर सैलरी मिलती है, लेकिन सेवा करने से नाम होता है, इसलिए उस नाम को वो टिकट मिला है। ये झंडा मैंने पार्टी को जिताने के लिए नहीं पकड़ा है, प्रजा के लिए पकड़ा है सर। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो वो जीत आपके साथ ही शुरू होगी। उनकी दोस्ती को देखकर सारा गांव खुश था, लेकिन अशोक गजपति के लोग गुस्से में उनके घर पहुंचे। ये सब क्या है सर? इच्छा जताते ही सबको मिल जाए, इतना आसान नहीं है कुर्सी को पाना, ये एक सपना है। लेकिन हमने कितनी मेहनत की थी। मेहनत करने से तनख्वाह मिलती है, कुर्सी नहीं। अरे वो भी तो वो छीन कर ले गया सर। पावर को कोई खींच कर नहीं ले जा सकता। वो देखो, उस कुर्सी को देखो, उसमें ऐसे कोई बुढ़िया बैठे तो वो व्हील चेयर है। एक ऑफिस के सामने सिक्योरिटी वाला बैठे तो वॉचमैन चेयर है, और अगर एक सीएम बैठे तो वो सीएम चेयर है। कीमत कुर्सी की नहीं, इंसान की होती है। इलेक्शन ने हमारे घर का माहौल ही बदल दिया। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी वहाँ पार्टी के झंडे आ गए। शोर क्यों मचा रहे हो? तुम लोग कब से झंडे को लेकर के झगड़ा कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, हमारी पार्टी का झंडा अच्छा है, लेकिन पार्टी का चुनाव चिन्ह टाइगर की बजाय लायन होता तो और अच्छा होता। ऐसा क्यों बेटा? वो इसलिए डैडी कि लायन जंगल का राजा होता है और आप इस गाँव के राजा हो ना। तुम गलत हो, ऐसे कोई राजा नहीं बनता। मैं गलती करूंगा तो मुझे भी सजा मिलेगी। कभी अगर शेर से गलती हो गई तो टाइगर सजा देता है। यानी लायन गलती करता है तो टाइगर सजा देता है? सभी टाइगर्स नहीं बेटा, सिर्फ बंगाल टाइगर के पास ही वो दिमाग और शक्ति होती है, इसीलिए वो हमारा नेशनल एनिमल बना और हमारे नेशनल पार्टी का चिन्ह भी। ओ, तो बंगाल टाइगर के पास इतनी ज्यादा ताकत होती है? हाँ, तुम्हारे जितनी ताकत होती है। मछली औषध अचानक जहर बन चुकी है, लोगों की जान बचाने के लिए ट्रीटमेंट चल रही है। पैसों के लिए फार्मा कंपनी के साथ मिलकर धोखा दिया जय नारायण। बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। ताजा सूत्रों से पता चला है बहुत से लोगों के हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। कुछ लोगों को खून की उल्टियां हो रही है। इतने लोग मर चुके हैं, कितनों के जिंदा बचने की उम्मीद भी नहीं है। डॉक्टर्स के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, मेरे साथ चलिए। ए, हटो हटो, रास्ता रुको रुको। अरे कोई गलत फहमी हुई है आप लोगों को, कोई गलत फहमी हुई है, ये गलत नहीं है। ए, हटो, अरे जय नारायण जी को चाकू मार दिया, भागो। किसी ने नहीं, मैंने मारा। मौत उनके साथ परछाई बनकर घूम रही थी जिसे पापा पहचान नहीं पाए। उसे क्या देख रहे हो? तुम न्याय पर भरोसा करते हो तो वो पैसों पर करता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उस डॉक्टर को खरीद लिया और उस डॉक्टर ने तुम्हें खरीदा है, यही कहानी बनाई है। तुम्हें खत्म करने से पहले तुम्हारे नाम को खत्म करना चाहता था, इसीलिए ये सब किया।
जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। जिंदगी में पैसे वाले से पंगा ले सकते हो, ताकतवर से पंगा ले सकते हो, बड़े बैकग्राउंड वाले से पंगा ले सकते हो, लेकिन अकलमंद इंसान से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। उस बेइज्जती के बाद हम अपनी नानी के गांव चले आए। उनके डॉक्टर दोस्त अब भी जिंदा है, ये बात मैं लड़की देखने गया था तब पता चली। माय फैमिली फोटोज। और ये हमारे ताऊ जी। एक एक्सीडेंट में भगवान ने उनकी पूरी फैमिली को अपने पास बुला लिया, लेकिन शायद मुझे सच बता सके इसीलिए उनको जिंदा रखा था। उसने जयनारायण को चालाकी से मारा। उसी चालाकी को तुम्हें अपना हथियार बनाना होगा। माँ, 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 मा, बेटी, माँ, 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 रो मत माँ। घर की चौखट लांघे बिना घर के अंदर ही रो रो कर जिंदगी गुजार दी, उस माँ को क्या जवाब दूँ? अपने पापा का नाम गर्व से ना ले पाने वाले मेरे भाइयों को क्या जवाब दोगी? ए, उम्र में तुम हम दोनों से छोटे हो, लेकिन इस जिम्मेदारी को लेकर इस घर के बड़े बेटे बन गए। भैया, तो फिर तुमने वो पैसे क्यों लिए? कल मेरे पापा की पुण्यतिथि है, जिस दिन उनकी बेइज्जती हुई थी, जिस गांव ने मेरे पापा को धुतकारा था वही गांव दोबारा मेरे पापा को पूजने लगे, वो करूंगा, इसलिए पैसे लिए। कल फ्लैग होइस्टिंग पर ये कुर्ता कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर, बहुत अच्छा रहेगा। तुम ऐसे टेंशन में क्यों हो? मीरा को उसका कैरेक्टर ठीक से समझा दिया है, उसके मुंह पर मार कर आएगी। मारने लायक उसने कुछ नहीं किया है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटी? पता है ना वो। अब आप और ड्रामा मत करो, मुझे सब पता चल चुका है। मैंने सोचा था आप मेहनत करके इस ऊंचाई तक पहुँचे, लेकिन इस कुर्सी के लिए आपने इतने लोगों की जान ली है। आई एम अशेम्ड ऑफ यू डैड। उसकी बातों पर भरोसा करती हो? वो एक भेड़िया जैसा है। नहीं डैड, वो टाइगर है, बंगाल टाइगर, जो अच्छे के साथ अच्छा करता है और बुरे के साथ बुरा। अपने दुश्मन का कब कैसे शिकार करेगा ये कोई नहीं कह सकता। गेट रेडी टू फेस हिम। Excuse me, sir. You can't hoist the flags. What? आप झंडा आरोहण का सम्मान खो चुके हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सीएम हूँ। आप उस पद से हटा दिए गए। पार्टी हाई कमांड ने आपको अभी उससे डिसमिस कर दिया है। गवर्नर के ऑफिस चलो। रामचंद्र जी, सॉरी सर,
गवर्नर अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है। एज पर प्रोटोकॉल आपकी सारी जेड प्लस सिक्योरिटी को इमीडिएट विद्रॉ करना है। डीजीपी का ऑर्डर है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वी आर हेल्पलेस सर। थैंक यू। अशोक गजपति पैसे वाले से पंगा ले सकते हैं, ताकतवर से पंगा ले सकते हैं, बैकग्राउंड वाले से पंगा ले सकते हैं, लेकिन अकलमंद इंसान से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा ही डायलॉग। तेरी वजह से मेरी फैमिली सड़क पर आ गई थी और आज मेरी वजह से तू सड़क पर आ गया है। ये सब तूने कैसे? जिन पैसों से तुमने अब तक दूसरों को खरीदा था उन्हीं पैसों से मैंने तुम्हारे आदमी को खरीदा। क्या मतलब है तेरा? मेरे कहने से ज्यादा, तुम खुद देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। पूरे देश में आज तुम ही ब्रेकिंग न्यूज हो। ऑपरेटर सुरेश कुमार, जरा इन्हें भी तो फिल्म दिखा दो। 300 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए सीएम अशोक गजपति। पार्टी हाई कमांड ने उन्हें उनके पद से सस्पेंड कर दिया है। मछली औषध में जहर मिलाने के कारण लोग अशोक गजपति के पुतलों पर झाड़ू चप्पल मार रहे हैं। भी पद से हटाने के बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठा दी। किसने मदद की तेरी? तब मेरे पापा को ढूंढते हुए आपकी पार्टी मेरे घर आई थी, इसलिए इन सबूतों के साथ मीडिया में जाने के बजाय आपको ढूंढते हुए आपके पास आया हूँ। सिर्फ तुम या तुम्हारा गांव ही नहीं, इतिहास भी याद रखेगा। ऐसे कुर्सी से उतार फेंकूंगा मैं उसे। दरअसल मैंने जर्नी स्टार्ट की थी फेमस होने के लिए या सेलिब्रिटी बनने के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। जब मैं तुम्हारी लाइफ में घुसा तब मैं तुम्हारा टारगेट बना, पर तुम्हें टारगेट करके मैं तुम्हारी लाइफ में घुसा। तुम्हारी केबिन में अंदर आने से पहले ही तुम्हारी कैबिनेट में घुसा। मैं उसका डबल दूंगा। तुझे ये वीडियो कैसे मिला? तुमने मेरे पापा का राइट हैंड इस्तेमाल किया और मैंने तुम्हारा राइट हैंड। तुमने जो मुझे 500 करोड़ दिए उसमें से 100 करोड़ उसको दिए। उसने मुझे रिटर्न गिफ्ट में HD क्वालिटी फुटेज दिया। ये प्रोजेक्ट ही ठीक नहीं है, लेकिन इतने पैसों को रिजेक्ट करना भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं मान जाता हूँ। थोड़ा मजबूर था सर, 100 करोड़ मेरे जैसों के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मुझे तो टैक्सी। अब तुम दिल्ली के तिहार जेल में जाओगे, मैं माँ के साथ गांव में जाऊंगा और तुम्हारे बाकी के करोड़ों रुपए मरने वालों के परिवारों के पास जाएंगे। कुर्सी तो चली गई लेकिन मेरे अंदर का शैतान अब भी जिंदा है। शंकर को तुमने पहले ही भेज दिया था ना? गांव का कोई भी नहीं आया, इसका मतलब ये अब तक हम पर भरोसा नहीं करते। कभी कभी अकलमंद से भी गलती हो जाती है। इसे उस दिन जिंदा रखकर मैंने भी गलती की थी। इसके मुंह खोलने की वजह से ही मेरी यह हालत है। आज उसे सुधारता हूँ।
मेरे साथ जो होना चाहिए था वही हुआ। तू लोगों का ही इंतजार कर रहा है ना? आज के दिन न तू न ये गांव कुछ नहीं बचने वाला, सब शमशान बन जाएगा। भैरव! घुसने से मैंने पकड़ लिया। आकाश भाई, काश इस इंसान ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी है। अगर तू मेरा बेटा है तो इस हैवान को जिंदा मत छोड़ना। हे, मारो इसे! बाघ लाश को नहीं खाता। जय माता दी, 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 जय माता दी,
चौंक क्यों गए पंडित जी? ये कैसे मुमकिन है? लड़के की कुंडली में सिर्फ दो ही बच्चे हैं, लेकिन लड़के की कुंडली में चार बच्चे। वहाँ देखिए। कहाँ देखूं? आप दोनों फ्रेंड्स हैं तो क्या, इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई? ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिवेंज है। शादी से पहले हमसे बहुत खेला था ना, अब हमारी बारी है। कलयुग है, 4G जनरेशन।